हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो सर, नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशिया महाद्वीप की, और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, या एशिया महाद्वीप जो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आपके मेन मेन मेजर मेजर टॉपिक क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। एशिया महाद्वीप के अंदर प्रमुख नदियाँ हो गई, प्रमुख पठार हो गए, प्रमुख मैदान हो गए, और उसके अतिरिक्त एशिया महाद्वीप जो है इसका भौगोलिक महत्व क्या है। तो चलिए सर, सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूँ विश्व के अंदर महाद्वीपों को, और ये महाद्वीपों की अपनी क्लास चल रही थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। तो अगर एशिया महाद्वीप को आप देखना शुरू करते हो, चलिए एशिया महाद्वीप को अगर मैं देखना शुरू करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये एशिया महाद्वीप जो होगा क्षेत्रफल के अनुसार आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये देखने को मिलता है। बात करी जाए कि एशिया महाद्वीप जो है ये विभाजित होता हुआ दिखाई देता है किससे, आपका यूरोप से। तो यूरोप से आपको विभाजित होता हुआ दिखाई देगा किसके द्वारा, यहाँ पे एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम होगा यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत से आपका यूरोप से विभाजित होता है। यहाँ पे एक सागर देखने को मिलता है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ध्यान रखना, ये कैस्पियन सागर होगा, इसके पूर्व में जो सीमा लगती है वो एशियाई देशों की लगती है, और पश्चिम में जो सीमा लगती है वो यूरोपियन देशों की जो है लगती हुई दिखाई देगी। यहीं पे आपको एक सागर देखने को मिलता है, अगर मैं देखना शुरू करता हूँ यहाँ पे कजाकिस्तान, और उसके अलावा देखने को मिलता है मेरे को उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो देश दिखाई दे रहा है इसका नाम है उज्बेकिस्तान, ऊपर दिखाई दे रहा है मेरे को कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम दिखाई देगा मेरे को अरल सागर। नेक्स्ट सर, यहाँ पे आप ध्यान रखना एक बालकश झील देखने को मिलेगी, स्पेशली जो देखने को मिलती है केवल केवल कजाकिस्तान में। इस बार आरएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखना शुरू करते हो कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर जो होगा ये विश्व का सबसे बड़ा, मैं बोल सकता हूँ सागर बोल सकता हूँ, या विश्व की सबसे बड़ी झील बोल सकता हूँ। सागर भी इसको कहना सही नहीं होगा, और सागर इसको कहा भी नहीं जाता, इसको झील कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मैं बोलूंगा कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मेरे को झील देखने को मिलती है, और लवणीय पानी या खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में आप यहीं पर आ जाइए, आप चलते हुए आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे मैं देखना शुरू करता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है रशिया, यानी कि रूस दिखाई देता है। और रूस के अंदर आप देखना शुरू करते हो तो आपको एक झील दिखाई देती है, और इस झील का आपको नाम दिखाई देगा लेक बेकाल। तो अगर आपसे पूछ ले कि लेक बेकाल जो है ये कहाँ पाई जाती है, मैं बोलूंगा रशिया के अंदर या रूस के अंदर पाई जाएगी। विश्व की सबसे गहरी आपको झील देखने को मिलती है। उसके बाद में आप देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे आपको चाइना दिखाई देता है, इंडिया दिखाई देता है, यहाँ पे मैं देखता हूँ पाकिस्तान दिखाई देता है, अफगानिस्तान दिखाई देता है, और पश्चिम में आप देखते हो तो आपको इराक ईरान जो है ये देखने को मिलता है। चलिए, तो इस पे अपन फैक्चुअल बात करना शुरू करते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, या एशिया महाद्वीप से किस किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। गिव मी वन मिनट। चलिए सर, तो देखो एशिया महाद्वीप को अगर मैं देखना शुरू करता हूं, तो सबसे पहले आप देखना शुरू करोगे इसका उत्तरी पश्चिमी मैदान, या मैं बोल सकता हूँ यूरोप से जो इसकी सीमा निर्धारित करी जाएगी, ये करी जाएगी आपकी यूराल पर्वत के द्वारा। यूराल पर्वत आपको देखने को मिलता है, यूरोप और एशिया जो है इसको विभाजित करता है, और रूस के अंदर देखने को मिलता है आपका। दूसरा आप बोल सकते हो ऊपर रूस में एक मैदान देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा साइबेरिया का मैदान। अब देखो, मैं साइबेरिया के अगर मैदान को देखना शुरू करता हूँ, या मैं रशिया को देखना शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऊपर नॉर्थ की तरफ तीन नदियां जाती हुई दिखाई देंगी। तीन नदियां कौन कौन सी देखने को मिलेंगी आपको, आप देखना शुरू करते हो, सबसे पहले आपको ऊपर एक नदी आती हुई दिखाई देगी रूस के अंदर। मैं बोल सकता हूँ एशिया और यूरोप जो है ये विभाजित होते हैं यूराल पर्वत के द्वारा। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो रूस में मेरे को तीन नदियां दिखाई देती हैं। एक दिखाई देगी आपको कौन सी, जिसका नाम होगा ओब। एक दूसरी नदी होगी, इसका नाम होगा येनसी। और तीसरी नदी जो होगी इसका नाम होगा लीना नदी। ये तीन नदी देखने को मिलती हैं। ऊपर वाला एरिया आपको रशिया का दिखाई देगा, नीचे आप देखते हो तो आपको आता हुआ दिखाई देता है कौन सा, चाइना जो है ये आता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको हिमालय आता हुआ दिखाई देता है। तो देखो, जब कभी हम देख रहे हैं कोई भी आपका महाद्वीप, तो उस महाद्वीप के अंदर सबसे पहले हम पर्वतों को देखते हैं। यहाँ पे भी हम पर्वतों को देखना शुरू करते हैं। तो आपको एक पर्वत दिखाई दिया है जिसका नाम है यूराल। तो यूराल मैं बोल सकता हूँ प्राचीन पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट की श्रेणी में आता है।
यहाँ पे आप देखना शुरू करते हैं भारत के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन या कुछ मैं बोल सकता हूँ प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो हैं ये देखने को मिल जाएंगे। अब ये प्रमुख पर्वत जो हैं ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें कुछ डिटेल में पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आप ऊपर की तरफ आइए, यहां पे आ जाइए आप। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इंडिया और यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है चाइना। सबसे पहले मैं एशिया में देखना शुरू करता हूं तो मेरे को दिखाई देगा क्या, आप इंडिया के ऊपर देखते हैं या भारत के ऊपर देखते हैं तो यहां पे आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम होगा, या एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम होगा पामीर का पठार, या इसको बोलते हैं नॉट ऑफ पामीर, पामीर की गांठ कहा जाता है। यहां पे आप देखोगे एक पठार दिखाई देगा, इसका नाम है तिब्बत का पठार, या इसको बोलते हैं प्लेटू ऑफ तिब्बत। ठीक, अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विश्व की छत किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर देखने को मिलेगा, विश्व की छत जो है वो पामीर को ही कहा जाता है। बात करी जाए आपका तिब्बत प्लेटू, अगर ऑप्शन में आपका पामीर का पठार नहीं है तो आप आंसर लगाएंगे तिब्बत प्लेटू। यहां पे आप पामीर की गांठ, अब देखो यहां पे वर्ड जो यूज करा गया है नॉट, गांठ का शब्द का उपयोग करा गया है। आप ये वर्ड दो जगह देखते हो, एक तो भारत के अंदर जब भारत का भूगोल पढ़ते हो तो नीचे आपका लिखा आता है नीलगिरी की गांठ पे पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन होता है। अब नीलगिरी की गांठ पे मिलन हो रहा है, सर ये नीलगिरी की गांठ क्या है, या आपसे बोल दिया जाए कि तिब्बत की गांठ से एशियाई पर्वत जो है वो निकलते हैं। तो तिब्बत की गांठ, देखो गांठ हमेशा मैं बोल सकता हूं नॉट, और नॉट जब लगाई जाती है, गांठ जब लगाई जाती है तो बीच वाला क्षेत्र जो है वो आपको उभरा हुआ दिखाई देगा और उसके दोनों किनारों से जो है आपको मैं बोल सकता हूं कुछ लाइन या धागे निकलते हुए दिखाई देते हैं, उसी को आप नॉट बोलते हैं या गांठ बोलते हैं। यहां पे आप तिब्बत की गांठ अगर देखते हो या फिर पामीर की गांठ देखते हो, नॉट ऑफ पामीर देखते हो, तो ये गांठ नुमा संरचना इसलिए कह दिया जाता है, तो ये पठार आपका, पर यहां से कुछ पर्वत निकले हुए हैं। कौन कौन से निकले हुए हैं, सबसे पहले आप चाइना के अंदर देखते हो तो आपको एक पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम होगा तियन शान। उसके बाद में आप दूसरा पर्वत देखना शुरू करते हो तो आपको दिखाई देगा, यहां पे इसका नाम देखने को मिलता है कुनलुन। ठीक है, यहां पे दूसरा पर्वत देखने को मिलेगा आपको कुनलुन। उसके बाद में आप देखते हो तो पामीर की गांठ से हिमालय के अंदर केवल केवल ट्रांस हिमालय निकलता है, संपूर्ण हिमालय नहीं निकलेगा, केवल केवल ट्रांस हिमालय हम कहते ही उसको है जो पामीर की गांठ से निकला हुआ है, या हिमालय से पूर्व की जो संरचना है। यहां पे आपको दिखाई देगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक पर्वत दिखाई देगा कैलाश। ध्यान रखना पामीर की गांठ से भारत में तीन पर्वत श्रेणियां आती हैं, एक का नाम होगा काराकोरम, काराकोरम के बाद में दूसरा होगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद में तीसरा जो होगा ये होगा जास्कर। कैलाश श्रेणियां जो हैं ये चीन में जाती हुई दिखाई देंगी आपको। उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यहां पे जाती हुई दिखाई देंगी, इन श्रेणियों का नाम होगा हिंदू कुश। अगर आपसे पूछ ले हिंदू कुश तो मैं बोल सकता हूं हिंदू कुश जो है ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। यहीं पे देखना शुरू करते हो तो यहां पे आपको एक दिखाई देंगी कौन सी, किरथर और सुलेमान। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है पामीर की नॉट से निकलने वाली मुख्य पहाड़ियां। अब देखो इसको एक बार मैप में भी अपन देख लेते हैं, और कि मैप में जो है ये किस तरीके से आपकी शो करी गई हैं, या मैप में किस तरीके से आपकी प्रदर्शित करी गई हैं। एक मिनट सर, ये मो ये है आपका पॉलिटिकल मैप। वर्ल्ड मैप आपका इन हिंदी, वर्ल्ड मैप अपने को लेना है फिजिकल पॉलिटिकल मैप। ठीक है सर, ओके चलो ठीक है सर। यहाँ पे इन्होंने इंडिया गवर्नमेंट का मैप दिया हुआ नहीं है, इसमें फिजिकल नहीं दिया हुआ, पॉलिटिकल ही दिया हुआ है। चलो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे आप आ जाइए। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे भारत के ऊपर इस तरफ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लेटू ऑफ मैं बोल सकता हूँ पामीर,
यहाँ से निकलेगा आपका एक तियन शान पर्वत और यहाँ से निकलेगा कुनलुन पर्वत, ये दो पर्वत निकलते हैं। शायद अगर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी साफ साफ, तो मतलब इसमें कलर थोड़े से लाइट हैं बट आपको साफ दिखनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो तियन शान और कुनलुन जो हैं ये दो पर्वत दिखाई देते हैं। ये तियन शान और जो कुनलुन पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, इन दोनों के मध्य है, यहीं पे चीन में आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, एक मरुस्थल देखने को मिलेगा, और इस मरुस्थल का नाम है आपका तकला मकान। अगर आपसे पूछ ले कि तकला मकान जो है ये मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ ये देखने को मिलेगा मेरे को चीन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तियन शान और कुनलुन जो पर्वत है इन दोनों के मध्य एक मरुस्थल देखने को मिलता है जिसका नाम है तकला मकान। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहीं पे आपको एक आती हुई दिखाई देगी नदी इसी क्षेत्र में, और ये जो नदी आती हुई दिखाई देती है इस नदी का नाम है तारीम। तो यहीं पे दिखाई देगा आपको एक तारीम बेसिन। अगर पूछ ले तारीम बेसिन पाया जाता है या तकला मकान मरुस्थल पाया जाता है, मैं बोल सकता हूं ये देखने को मिलेगा आपको तियन शान और कुनलुन जो है इन दोनों के मध्य आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में आप देखना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाई देता है यहाँ पे मंगोलिया जो है ये देखने को मिलेगा, और स्पेशली मंगोलिया देश के अंदर यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है, इस मरुस्थल का नाम होगा गोभी डेजर्ट। अगर आपसे पूछ ले कि गोभी का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंगोलिया के अंदर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा गोभी का मरुस्थल, मंगोलिया जो है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को गोभी डेजर्ट। कई जगह इसको जो है चीन और मंगोलिया दोनों में दे रखा है, अधिकांशतः भाग इसका मंगोलिया में है, इसको इसलिए मंगोलिया में अवस्थित मरुस्थल कहा जाता है। अब यहाँ पे आप आगे की तरफ आ जाइए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, चीन के पूर्वी तरफ आ जाइए। यहाँ पे आप देखना शुरू करते हो चीन के पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में आपको कुछ क्षेत्र दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को जापान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूर्वी चीन सी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका कौन सा येलो सी दिखाई दे रहा है, पीला सागर दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जो येलो सी दिखाई दे रहा है, पीला सागर दिखाई दे रहा है, यहां से एक नदी आती है इसके अंदर, चीन से एक नदी, इस नदी का नाम देखने को मिलेगा आपको वांगहो नदी, वांगहो या हांगो नदी बोल सकते हो, जो कि येलो सी या मैं बोल सकता हूं आपका पीला सागर के अंदर पानी मिलाती है। देखो ये वांगहो या हांगो नदी की क्या बात है, चाइना के अंदर जो जा रही है, जो मैं बोल सकता हूं आपका येलो सी के अंदर पानी मिला रही है, इसकी क्या कहानी है। अगर आप इसको देखना शुरू करते हो वांगहो या हांगो नदी को, तो ये नदी जो है चीन के एक क्षेत्र से निकलती है, इस क्षेत्र को कहा जाता है लोएस क्षेत्र। अगर आप चीन में देखना शुरू करोगे तो यहाँ पे एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र को मैं बोलूंगा आपका लोएस क्षेत्र। अब बात आती है कि सर ये लोएस क्षेत्र जो है ये क्या होता है, चीन में यहाँ पे एक क्षेत्र देखने को मिलेगा लोएस, ये लोएस क्षेत्र से निकलने वाली नदी है हांगहो नदी। अब हांगहो नदी की बात करी जाए कि साहब ये लोएस क्षेत्र जो है ये क्या होता है, देखो लोएस मैं बोल सकता हूं आपका वायु द्वारा निर्मित मैदान, वायु द्वारा निर्मित मैदान जो होगा इसको मैं बोलूंगा लोएस। अब ये कैसे बनता है, देखो जब कंटिन्यू हवा एक दिशा में चलती है और एक दिशा में चलती रहेगी, तो हवा के द्वारा क्या करा जाएगा, कुछ मिट्टी का निक्षेप करा जाएगा, मिट्टी जो है वो जमा करी जाएगी। अब मिट्टी जमा करी जाएगी, अब आप सोचो कि हवा ने इस क्षेत्र में मिट्टी जो है ये जमा दी है, अब मिट्टी जैसे ही जम जाएगी तो यहां से अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, तो सिंपल सी बात है आप सोचो कि किसी क्षेत्र में कंटिन्यू या लगातार हवा जो है मिट्टी का निक्षेप कर रही है या मिट्टी जमा रही है। अब मिट्टी जमा रही है, यहां पे आपका नदी जो है ये बह रही है, तो नदी के क्षेत्र में यहां पे आपको क्या आती हुई दिखाई देगी, मैं बोल सकता हूं बहुत ज्यादा दलदल जो है वो होती हुई दिखाई देगी, या मिट्टी अवसाद जो है वो जमते हुए दिखाई देंगे। सामान्यतः मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी, शायद डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता है जिसका नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड, और मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेयर गर्ल्स। तो बेयर गर्ल्स जो हैं उनका एक शो मेरा देखा हुआ था, जो चाइना के अंदर थे, चाइना के प्लेन मैदान में थे, और चाइना के मैदान में थे तो वहाँ पे वांगहो नदी थी, और नदी का पानी जो है वो बिल्कुल पीला था। पीला क्यों देखने को मिलता है सर, क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी में घुली हुई है। आप सामान्यतः देखते हो बोरिंग में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, तो जब बोरिंग करा जाता है तो जमीन से जो पानी निकलता है वो लाल रंग का निकलता है। आपने ऐसे क्षेत्र देखे होंगे जैसे अपने राजस्थान में प्रायः कुछ जगह बोरिंग करे जाते हैं जहाँ पे रेतीली भूमि है, तो वहाँ पे रेत जो है वो पानी के साथ आता है और पानी का रंग पीला दिखाई देता है, वो रेत की वजह से। पानी पीला नहीं है, पानी का रंग रेत के कण अधिक होने की वजह से पीला दिखाई दे रहा है हमें।
ये का ये एग्जैक्टली यही होता है। इस क्षेत्र में लोएस के मैदान के अंदर मिट्टी जो है ये जमा है, और मिट्टी जो है बिल्कुल आपकी दबी हुई नहीं है, हवा के द्वारा निक्षेप करी गई है। तो यहां से जो ये हांगो नदी निकल रही है, इस नदी के द्वारा जो है मिट्टी अपने अंदर घोल ली जाती है। अब जब मिट्टी अपने अंदर पानी के अंदर घोल लेगी तो सीधी सी बात है, नदी जो है उसका वजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, गति जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और गति जब कम हो जाएगी, वजन ज्यादा हो जाएगा, तो नदी क्या करती है, मान लो कोई नदी जा रही है, उसके बीच में आपने खूब सारे अवसाद डाल दिए, मिट्टी डाल दी, तो इस जगह से तो पानी बंद हो जाएगा, पानी दूसरी जगह से चलना शुरू हो जाएगा। यहां पे जो है अवसाद डले हैं, नदी जो है वो इस तरीके से अब यहां से आ जाएगी आपकी। तो ये अवसाद के कारण क्या होगा, चीन के अंदर पाई जाने वाली हांगो नदी जो देखने को मिलती है, इसी अवसाद के कारण इसको कहा जाता है येलो रिवर, या इसको कहा जाता है पीली नदी। ये पानी जहां मिलाती है उस सागर का भी पानी आपको पीला दिखाई देगा, और वो देखने को मिलता है आपको येलो सागर, या जिसको कहा जाता है पीला सागर या पीत सागर, आपके एटलस के अंदर लिखा हुआ होगा। वांगो नदी चीन के कहां से निकलती है, लोएस प्रदेश से निकलती है। लोएस ध्यान रखना एक देश का नाम भी है, एशिया के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि लोएस क्या है साहब। लोएस एक तो देखने को मिलता है आपको मैदान, और एक आप देखना शुरू करते हो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है ये स्थल अवरुद्ध देश है। देखो भारत दिखाई दे रहा है यहां पे, अपना भारत के पास में आपको दिखाई देगा म्यांमार, म्यांमार के बगल में दिखाई देगा थाईलैंड, और थाईलैंड के बगल में दिखाई देगा आपको लाओस, सॉरी लोएस नहीं लाओस। तो लोएस और लाओस में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। लाओस आपको एक कंट्री दिखाई देगी, और लोएस चीन के अंदर एक मैदान दिखाई देगा। और अगर आपसे पूछ ले कि लोएस का पठार कहाँ है, तो वो भी चीन में ही है। लोएस का पठार भी चीन में है, लोएस का मैदान भी चीन में है, और हांगो नदी जो निकलती है तो यहां पे आप देखना शुरू करोगे, तो ये हांगो नदी के द्वारा स्पेशली जो पानी मिलाया जाता है, या मैं बोल सकता हूँ पीले सागर में पानी लाया जाता है। और हांगो नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है, इसीलिए इसको बोलते हैं शोर ऑफ चाइना, या इसको कहा जाता है चीन का शोक। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसको शोर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाएगा, या निम्नलिखित में से कौन सी चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ वांगो नदी जो है ये जानी जाएगी। विश यू ए ब्राइट एंड हैप्पी छोटी दिवाली सर, सेम टू यू, आप सभी को मेरी तरफ से और अनअकैडमी की तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है सर। तो ये आपको एक एटलस के अंदर यहाँ पे वांगो नदी देखने को मिल जाएगी। अब देखो वांगो के बाद अगर आपने एटलस आपके पास में है तो आप प्लीज उसको देख सकते हो, और एटलस जो है अपने राजस्थान के लिए, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एटलस जो मैं हमेशा से पढ़ता आया हूँ और जो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छी लगती है, लोकेशन वगैरह इसमें बहुत मतलब अच्छे से दे रखी हैं। सामान्यतः विद्यार्थी पूछते भी हैं कि कौन से एटलस ली जाए, तो एटलस लेना है आपको, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है ये, है ना, इसमें भी दो आती है, मेरे पास में बहुत पुराना वर्जन है, ये होगा 10-12 साल पुराना, 10-12 भी क्या होगा, 2006 का है ये, ठीक है, 2006 की एटलस है। तो आप ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो है इंडिया और वर्ल्ड के लिए ले सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट एटलस लेनी है और इंग्लिश में लेनी है, हिंदी में मत लेना आप, क्योंकि हिंदी के अंदर बहुत सी लोकेशन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे स्पेशली बात हो गई है आपकी वांगो नदी जो है, इसकी बात हो गई है येलो सी के अंदर। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा जो है नीचे आना शुरू कर दीजिए, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा सी क्यांग, ठीक है, सी क्यांग नदी देखने को मिलेगी। और सी क्यांग के नीचे आपको देखने को मिलेगी आपकी यांगटी सी जो है, ये देखने को मिलती है। देखो सी क्यांग को अगर मैं देखना शुरू करता हूँ, स्पेशली आपको सी क्यांग नदी जो आपको देखने को मिलेगी, चाइना के अंदर एक शहर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप आ जाइए, और इस शहर का नाम है शंघाई, दिखाई दे रहा है शंघाई, देखो सर यहाँ पे शंघाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको वुहान दिखाई दे रहा है जो कि अभी दो तीन साल पहले बड़ा चर्चा के अंदर था वुहान। यहां से आप देखना शुरू करते हो तो यहां से आपको एक नदी निकलती हुई दिखाई देती है तिब्बत क्षेत्र से, जिसका नाम है शी क्यांग, ठीक है, इसका नाम है शी क्यांग। तो ये शी क्यांग नदी, अब प्लीज मतलब ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो है ये लिखा हुआ है, ये मैप इंडिया गवर्नमेंट का है दोस्त, ये कहीं और कहीं का मैप नहीं है, इस पर आपको साफ साफ स्टैंप लगी हुई दिखाई दे जाएगी, भारत सरकार की मोहर लगी हुई है, भारत सरकार का मैप है ये, मैं कहीं और मैप कोई और यूज नहीं कर रहा हूं, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है अप्रूव बाय इंडिया गवर्नमेंट। तो ये स्वायत्त क्षेत्र ध्यान रखना,
ये मैप 2002 से पहले का है, और उससे पूर्व जो है हम हमेशा कोई भी इंटरनेशनल मैप निकालते थे, तो इसके लिए मतलब जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी थी उसके अंतर्गत हम इसको स्वायत्त क्षेत्र ही घोषित करते थे, है ना। जब हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी 2002 से पहले जो थी तो उस वक्त हम इसको स्वायत्त क्षेत्र ही घोषित करते थे, बट वर्तमान में नहीं करा जाता है, ये चीन के अधीन है वर्तमान में ये चीन के अधीन है आपका, भारत ने भी मान लिया है। चलिए सर, अब देखो यहां से आप निकलना शुरू करते हो तो यहां पे आपको देखो वुहान दिखाई दे रहा है, शंघाई दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपको ऊपर दिखाई दी मैं बोल सकता हूं आप हुआंगहो नदी देखना शुरू करते हो, तो नीचे आप आओगे तो आपको एक नदी दिखाई देती है, इसका ऊपर मैंने नाम बताया येलो रिवर, नीचे आप देखते हो तो आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम होगा यांगटीसी, है ना। यहां पे एक नदी देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या होगा आपका, यांगटीसी जो है ये देखने को मिलेगी। ये यांगटीसी नदी अगर देखते हो तो ये नदी जो होगी सबसे बड़ी नील के बाद आपको देखने को मिलती है अमेजन, और अमेजन के बाद में तीसरी सबसे लंबी नदी होगी यांगटीसी नदी विश्व के अंदर। यांगटीसी नदी के तट पे आपको एक देश मतलब एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसका नाम है शंघाई, ये यहां पे शंघाई देखने को मिलता है आपको, और ध्यान रखना ये पूर्वी चीन सागर में अपना जल मिलाती है। आप देखते हो तो पीला सागर येलो सी दिखाई देगा ऊपर आपको, येलो सी को अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो ये दिखाई देता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के बीच में यहां पे येलो सी जो है ये दिखाई देता है, ऊपर कोरिया की खाड़ी दिखाई दे रही है, इसका नाम है कोरिया की खाड़ी। यहां पे ये दिखाई दे रहा है मेरे को येलो सी या पीला सागर, जहां पे आपको नदी देखने को मिल रही है आपका वांगो नदी, नीचे आप देखते हो तो आपको दिखाई देती है यांगटीसी नदी देखने को मिलती है, और यांगटीसी नदी के किनारे पर या तट पे आपको एक देश मतलब इसका क्षेत्र देखने को मिलता है शंघाई। देखो शंघाई जो है ये जाना जाता है चीन के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए। विश्व में जो कोई क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकसित होगा उसके लिए एक शब्द का उपयोग करा जाता है, और वो शब्द उपयोग करा जाता है मैनचेस्टर का। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो मैनचेस्टर जो है वो देखने को मिलेगा ब्रिटेन के अंदर, आपको एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र देखने को मिलता है मैनचेस्टर शहर। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है औद्योगिक क्रांति जो है उसके दौरान आपका विकसित हुआ था मैनचेस्टर, और इसी से तुलना कर दी जाती है कई बार, जैसे बोल देते हैं अपन कि भारत के अंदर जो है मैनचेस्टर कौन सा देखने को मिलेगा, तो सामान्यतः बोलते हैं अहमदाबाद जो है ये देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि चीन का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा शंघाई को, और जापान का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाएगा ओसाका को। ये ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है, और चीन का मैनचेस्टर जो है इसका नाम क्या देखने को मिलता है मेरे को, शंघाई जो है ये देखने को मिलता है, ये है आपका चीन का मैनचेस्टर, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है चीन के अंदर। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को एक नदी देखने को मिलती है चाइना के अंदर आती हुई, और शंघाई जो है इसके तट पे है, और इस नदी का नाम देखने को मिलता है मेरे को कि आपका यांगटीसी नदी देखने को मिलता है, जो कि आपका नील नदी और अमेजन नदी के बाद विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी होगी और एशिया की सबसे लंबी नदी होगी यांगटीसी नदी। पानी मिला रही है कहां पे, पूर्वी चीन सागर के अंदर। आप नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहां पे आपको एक देखने को मिलेगी नदी जिसका नाम देखने को मिलेगा सीक्यांग। यहां पे नीचे एक आप आएंगे तो यहां पे एक नदी देखने को मिलती है, इस नदी का नाम देखने को मिलता है सीक्यांग रिवर, ठीक है। यहां पे छोटी सी नदी देखने को मिलेगी, अगर आपने एटलस खोल रखी है तो बिल्कुल आप कर्क रेखा के पास में आ जाइए, और इस कर्क रेखा के पास में आपको एक छोटी सी नदी जो है वो मूव करती हुई दिखाई देगी हांगकांग के पास में, बिल्कुल हांगकांग के पास में आपको, ठीक। यहां पे एक नदी दिखाई देती है जिसका नाम है सीक्यांग रिवर। इस नदी को मैं देखना शुरू करता हूं, जैसे यहां पे हंगशुई लिख रखा है, हंगशुई क्यांग, वैसे इसका नाम है हंगशुई, इसको बोलते हैं हंगशुई क्यांग। तो ये हंगशुई क्यांग जो नदी देखने को मिलती है नीचे की तरफ मेरे को, आपने आज तक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सर कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, जैसे सामान्यतः हम लोग बात कर लेते हैं कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपको देखने को मिलती है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो स्पेशली अपने दिमाग में नाम आता है कि साहब राजस्थान की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर मुझसे पूछे कि भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी काटती है, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सर कांगो जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती हुई दिखाई देगी, मकर रेखा को दो बार काटती हुई दिखाई देती है, या लाइन ऑफ कैपिकॉर्न को, तो आप बोलते हो कि यहां पे मेरे को नदी दिखाई देती है इसका नाम होगा लिम्पोपो, ठीक है। सर इसका भी ध्यान रख लेना, ये जो चाइना के अंदर आपको एक नदी देखने को मिलती है सीक्यांग, तो ये नदी जो है ये भी क्या देखने को मिलेगी,
कर्क रेखा को दो बार काटती हुई, ये चाइना में इस तरीके से मूव होती हुई दिखाई देती है। ठीक, अब सर यहां से निकल के मैं फिर आया कहां पे, चाइना के अंदर इस पूर्वी तट पे आता हूं। यहां पे आपको दो जगह देखने को मिलती हैं, एक का नाम देखने को मिलता है कौन सा, एक जगह देखने को मिलेगी हांगकांग और एक देखने को मिलेगा मकाओ। ठीक है, मकाओ और हांगकांग ये दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं। देखिए सर, ये मकाओ और हांगकांग की अगर मैं बात करूं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से एशिया के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी पुर्तगाली संस्कृति पाई जाती है। पुर्तगाली संस्कृति की अगर बात करी जाए तो भारत के अंदर आप गोवा के अंदर देख सकते हो, गोवा के अंदर आपको पुर्तगाली कल्चर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो एशियाई क्षेत्र के अंदर जो पुर्तगाली कल्चर देखने को मिलती है, एक तो गोवा में देखने को मिलेगी, गोवा के अतिरिक्त आप देखते हो तो चाइना के अंदर जो देखने को मिलती है मकाऊ जो देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगी आपको कुछ। देखो मकाऊ जो है ये पुर्तगाल से शायद आपका लगभग 2002 या 2003 के अंदर आजाद करवाया था या फ्री करवाया था, फ्री भी क्या करवाया था, लाइक मैं बात करूं 1987 अपने भारत के अंदर 87 की, तो 87 के आसपास जो है हम गोवा को अपने अधीन करते हैं, पुर्तगालों से जो है, पुर्तगाली से जो है गोवा स्वतंत्र करवाया जाता है, गोवा जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने अधीन लिया जाता है। ये जो एरिया है यहाँ पे स्पेशली आपका होता है गैम्बलिंग, मतलब मैं बोल सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में ये मकाऊ जो है आपका और हांगकांग और मकाऊ, स्पेशली मकाऊ की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व में गैम्बलिंग के लिए जाना जाता है। अब गैम्बलिंग के लिए जाना जाता है, चाइना के अंदर गैम्बलिंग जो है अलाउ नहीं है, गैम्बलिंग इन द सेंस मैं बोल सकता हूँ आपका आप जुआ बोल सकते हो, ठीक, चाइना के अंदर वो अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है कि भाई आप गैम्बलिंग कर सकते हो। मकाऊ अधीन था पुर्तगाल के और पुर्तगाल जो है बार बार कहता कि भैया इसको ले लो आप, ये अपने अधीन कर लो, अपने अधीन कर लो। चाइना वाला नहीं यार, मैं अभी इसको कंट्रोल करने की हालत में नहीं हूं, मैं इसको अपने क्षेत्र में अभी नहीं मिला सकता। ध्यान रखना मकाऊ और हांगकांग दो ऐसे क्षेत्र हैं चाइना के अंदर जहां पे लोगों को सम्मेलन करने के अधिकार हैं, चाइना के अंदर जो है स्वतंत्र सम्मेलन करने के अधिकार नहीं है आप लोगों को, वहां पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और चाइना के अंदर आपको पता हो तो वहां की अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करी जाए, राजनीतिक व्यवस्था की बात करी जाए, तो एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है चाइना के अंदर आपको। मकाऊ और हांगकांग दो ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहां के लोगों को अतिरिक्त स्वायत्तता प्रदान है। अतिरिक्त स्वायत्तता, स्वायत्तता या स्वतंत्रता से मतलब आप बोल सकते हो कि ये अपनी रैलियां निकाल सकते हैं, ठीक, ये अपने सम्मेलन जो है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ये इनको एक स्पेशल अधिकार दिए हुए हैं। ये 2002-2003 आई थिंक सो 2002 या 3 का ही वर्ष होगा, उसके आसपास जो है मकाऊ जो है आपका स्वतंत्र करवाया गया था, किससे, आपका पुर्तगाल से, और पुर्तगाली संस्कृति आपको मकाऊ के अंदर देखने को मिलती है और गैम्बलिंग भी नो डाउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ विशेषाधिकार हैं चाइना के अंदर हांगकांग को और मकाऊ को, ठीक, तो यहाँ पे आपको हांगकांग और मकाऊ जो है ये दो मतलब शहर इसके तटीय क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा जो है यहीं पे कुछ नदियां देखना शुरू करते हैं। ऊपर मैंने ओब येन सी लीना की बात कर दी, यहाँ पे चाइना की तीन नदियों की बात कर दी, यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपको एक नदी देखने को मिलती है, स्पेशली इस तरफ पूर्वी एशिया की तरफ आप आइए, आपको देखने को मिलेगा कौन सा, इंडिया दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, और यहीं से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको क्या, म्यांमार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए म्यांमार और भारत जो है इसके बीच में आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा, सामान्यतः कहा जाता है ये हिमालय पर्वत ही घूम रहा है, और इसके लिए जो यहां पे शब्द यूज करा जाएगा, अब पेन जो है वो मेरे को परमिशन देगा नहीं शायद यहां पे इस मैप पे चलने की, इस मैप पे पेन जो है चलने की परमिशन नहीं देगा सर, बिल्कुल नहीं देगा। चलो सर, तो यहां पे आप ध्यान रखना एक पर्वत देखने को मिलेगा, इस पर्वत का नाम क्या देखने को मिलता है, अराकान योमा। अगर पूछ ले भारत और म्यांमार की सीमा पे अवस्थित पर्वत जो है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आप आ जाइए, आपको एक नदी देखने को मिलेगी और इस नदी का नाम होगा आपका क्या, स्पेशली आप देखते हो तो एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम होगा मेकोंग, मेकोंग रिवर जो है ये देखने को मिलती है, जो कि चाइना के तिब्बत से निकलती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद में म्यांमार में आ रही है और म्यांमार और थाईलैंड की जो है सीमा बनाती हुई ये नीचे की तरफ आपको थाईलैंड में आती हुई दिखाई देगी, मेकोंग नदी। ठीक है, चलिए सर एक बार जो है स्लाइड्स पे देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ पे, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र
पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इनकी तो बात अपन ने कर ही लेंगे, बांग्लादेश को देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, वो बता ही देंगे, अराकान योमा हो गया। हाँ सर, पहले नहीं यार, यहाँ पे नहीं देखना, नहीं यहीं से ही देख लेते हैं, यहीं से ही देख लेते हैं, चलो सर यहीं से देखना शुरू करते हैं। एक बार देखो, सबसे पहले आप देखना शुरू करते हो पाकिस्तान को, देखना शुरू कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें। पाकिस्तान के अंदर एक पठार देखने को मिलता है उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान में, इस पठार का नाम है आपका पोतवार का पठार। अब देखो पोतवार के पठार की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चाइना के अंदर एक पठार की बात करी थी और इसका मैंने नाम लिया था लोएस। मैंने कहा था इसको क्या कहते हैं, लोएस। लोएस क्या होता है? लोएस का पठार अगर पूछे तो आप बोलोगे चाइना, लोएस का मैदान अगर पूछे तो आप बोलोगे चाइना। बोथ आर इन चाइना, पठार भी चाइना में है और मैदान भी चाइना में है। अब मुझसे कोई अचानक ऐसे ही एक दिन रेंडमली चलता फिरता पूछ बैठता है कि साहब ये बताओ आप कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार लोएस प्रकार का पठार है। मैं बोलूंगा साहब लोएस का पठार है। बोले नहीं नहीं ऑप्शन में से हम लोएस के पठार को हटा देते हैं, यानी कि वायु के द्वारा निर्मित पठार, तो फिर आपका आंसर होगा पाकिस्तान में अवस्थित पोतवार का पठार। ये पाकिस्तान के अंदर जो पोतवार का पठार है ये लोएस प्रकार का पठार है। देखो लोएस क्या होता है, हवा के द्वारा निर्मित पठार या मैदान, उसको बोलते हैं लोएस। हवा चल रही है लगातार एक दिशा में, आपने कई बार देखा होगा कि जब लगातार एक दिशा में हवा चल रही है और उस हवा के अंदर अगर कुछ धूल के कण हैं, तो यहां पे मान लीजिए कोई आपका अवरोध आ गया, कोई डूंगरी आ गई, पेड़ पौधे आ गए, तो यहां पे हवा जो है वो क्या करेगी, मिट्टी को घेरना शुरू कर देगी, मिट्टी को जमा करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये जो मैदान बनेगा तो इसको बोलेंगे अपन लोएस का मैदान, और ये क्षेत्र जब धरातल से ऊपर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे लोएस का पठार, ठीक। तो अगर पूछे नाम ही दे दे कि लोएस का पठार पाया जाता है, तो मैं बोलूंगा चीन के अंदर। लोएस का मैदान पाया जाता है, मैं बोलूंगा चीन के अंदर। और अगर मुझसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से लोएस पठार का उदाहरण है, तो मैं बोलूंगा पाकिस्तान के अंदर अवस्थित पोतवार का पठार। या कई बार पूछ लिया जाता है पोतवार का पठार कहां पे है, तो मैं बोलूंगा पाकिस्तान जो है यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सर, आगे आप देखते हो पाकिस्तान के अंदर ही आपको एक क्षेत्र देखने को मिल जाता है और इसका नाम देखने को मिलेगा, एक बंदरगाह देखने को मिलता है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, ठीक। और ग्वादर बंदरगाह जो है हाल ही के अंदर प्रेजेंटली चर्चा में रहा था, पिछली साल भी चर्चा में रहा था आपका, बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित बंदरगाह और बेसिकली चीन के लिए, इसकी कहानी भी सुनते हैं। ग्वादर बंदरगाह जब सामने आई गया तो मैंने ये डाल ही दिया यहाँ पे। देखो आप आ जाइए मेरे साथ यहाँ पे, थोड़ा सा पाकिस्तान जो है ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप पाकिस्तान में देखते हैं। तो देखो यहां से अपने जो इंडिया से लग रहा है पाकिस्तान का एरिया, इसको अपन बोलते हैं पाकिस्तान का पंजाब। यहां पे राजस्थान से भी पाकिस्तान का पंजाब जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे नीचे वाला जो एरिया देखते हैं तो इसका नाम है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। जैसे अपने भारत के अंदर राज्य है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उसी तरीके से यहां पे देखने को मिलता है पाकिस्तान में भी पंजाब राज्य देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में भी सिंध देखने को मिलेगा। यहां पे आप आओगे तो यहां पे आपको देखने को मिलता है स्पेशली ये जो एरिया है यहां पे, मतलब ये ऊपर अफगानिस्तान से लगता हुआ है ना, ये अफगानिस्तान से लगता हुआ ये वाला एरिया आएगा, इसको बोलेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या, ये देखने को मिलता है मेरे को बलूचिस्तान। पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र जो है ये कहा जाता है इसको। ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र देखने को मिलेगा यहां से लगता हुआ, ये क्षेत्र जो है यहां पे नीचे की तरफ एक मैं बोल सकता हूं पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो है ये निकाला जा रहा है, या मैं बोल सकता हूं एक चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करने का जो है ये मार्ग बनाया जा रहा है। अब ये एक मार्ग जो है स्पेशली इंडिया के कश्मीर से होके जा रहा है, भारत का जो कश्मीर वाला क्षेत्र है यहां से होके जा रहा है, और यहां पे ये पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह जो है ये बना रहा है बलूचिस्तान के अंदर चाइना। अब बात ये होती है इसके अंदर ग्वादर बंदरगाह को लेके अगर मैं बात करता हूं, तो
इंडिया जो है मतलब इसका विरोध कर रहा है कि नहीं भाई ये मैं तो परमिशन दे ही नहीं रहा हूं, ये बन ही नहीं सकता है। अब समस्या क्या आ रही है इसके अंदर, इसको बोलते हैं अपन पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बोलेंगे अपन, मतलब आपका चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है ये बोला जाएगा। यहाँ पे ये यह, चाइना ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे को एक पोर्ट जो है बंदरगाह तुम बनाने दो और मैं कनेक्टिविटी बनाऊंगा चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक, जहाँ पे मैं यहाँ पे आपका रेलवे लाइन भी डेवलप करूंगा, सड़क भी डेवलप करूंगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपका कुछ पेट्रोलियम लाइन जो है वो भी डाली जाएगी, यहाँ से जो है मैं बिजनेस कर सकूँ। चाइना का मोटिव ये है कि वो स्पेशली इंडियन ओशन या अरब सागर के अंदर आके बिजनेस कर सके। इंडिया जो है वो विरोध इसलिए कर रहा है, देखो स्पेशली अगर मैं ये वाला एरिया देखता हूँ तो ये एरिया जो है ये कहलाया जाता है आपका POK, या इसको कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर बात करी जाए तो ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर उसने आपका एक मैं बोल सकता हूँ आपका गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। हाँ कब्जे में उसके पर क्षेत्र हमारा है ये। अब यहां से जब ये रूट निकाल रहे हैं, मतलब हमारे क्षेत्र में से जब रूट निकाल रहे हैं, तो इस पे जो है हम विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं आप यहां से रूट नहीं निकाल सकते ये। अब चाइना कहता है कि ये पाकिस्तान के अधीन है, इंडिया कहता है कि भाई हो उसके अधीन पर क्षेत्र तो मेरा है, मैं तो नहीं निकालने दूंगा, तुम यहां से कैसे निकाल के लेके जा सकते हो। तो ये मतलब ये एक चर्चा में रहा हुआ पोर्ट है आपका ग्वादर बंदरगाह, ध्यान रखना इसका। हालांकि ग्रेड सेकंड के अंदर नहीं पूछा जा सकता, पर हाँ आपसे RS जैसे एग्जाम में या कुछ एग्जाम के अंदर जो है लोकेशन जो है जब पूछी जाती हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्राय पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सर आगे आप देखना शुरू करते हो तो पाकिस्तान से आगे निकलते हैं, खैर छोड़ो इसमें कुछ बाकी ज्यादा है नहीं देखने लायक। अराकान योमा की अपन ने बात कर ही ली थी। देखो अराकान योमा की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेशली ये भारत और म्यांमार की सीमा पे नवीन वलित पर्वत है, और स्पेशली अराकान योमा को हिमालय का ही भाग कुछ भूगोलवेताओं ने बताया है। सबसे ऊंची चोटी जो है एक माउंट विक्टोरिया देखने को मिलेगी इस क्षेत्र के अंदर। ध्यान रखना इस अराकान योमा की एक एक विशेषता है। क्या विशेषता है? अराकान योमा जो है ना भारत के लिए एक महत्व रखता है। क्या महत्व रखता हुआ दिखाई देगा भारत के लिए? सामान्यतया अगर आप देखते हो भारत के अंदर जो मानसून आता है कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये आता ही इस अराकान योमा की वजह से। अरे सर अराकान योमा की वजह से कैसे आ रहा है बंगाल की खाड़ी का मानसून? ये भी एक मतलब क्वेश्चन जो है समझने वाला एक मैं बोल सकता हूं कॉन्सेप्ट है। देखो आप देखना शुरू करते हो ग्रीष्म काल में जो अपने यहां पे मानसून आता है सामान्यतया, मतलब इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करा जाता है जब हमें बताते हैं लोग, जब हमें पढ़ाते हैं तो इसको बहुत ज्यादा टिपिकल करके बताते हैं। कैसे टिपिकल करेंगे? पहला बोलेंगे भारत के अंदर मानसून आता है, कहां से आता है? सर हिंद महासागर से आता है। ठीक है सर ये बात समझने में आ गई अपने को कि हिंद महासागर जो है यहां से भारत के अंदर मानसून जो है आता हुआ दिखाई देगा। अब अगली लाइन जो है वो क्या तुरंत बोली जाती है कि भारत के अंदर मानसून की दो शाखा प्रवेश करती हैं, एक शाखा जो होगी वो होगी अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा जो होगी वो होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। सर ये जो जितने भी मैं क्लासेस करवा रहा हूं इनके PPT ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी अनअकैडमी ऑफिशियल। ठीक है ध्यान रखना अनअकैडमी ऑफिशियल चैनल है। ठीक नेक्स्ट आप देखते हो यहां पे दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, जो GS पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो बड़ा मतलब इस स्थिति के अंदर संकट की स्थिति में आ जाता है कि भगवान हिंद महासागर से मानसून आ रहा है, अरब सागर से आ रहा है या बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, और बंगाल की खाड़ी से क्यों आ रहा है और अरब सागर से? आप बोलते हो कि दक्षिणी पश्चिमी में हवाएं चलती हैं, कई बार हवाओं के अंदर उलझ जाते हैं लोग। तो देखो इसको अगर एक्सप्लेन करा जाए तो कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा? आप देखना शुरू करते हो भारत के अंदर अगर मानसून की बात करी जाए एग्जैक्टली आता है हिंद महासागर से ही है, और भारत के अंदर जो है हवाओं की चलने की जो प्रवृत्ति होती है ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल के अंदर, या मैं बोल सकता हूं भारतीय महाद्वीप की तरफ जो हवाएं चलती हैं ये चलती हैं राइट हैंड साइड, दाएं तरफ जो है चलेंगी। सर राइट हैंड साइड कोई दिशा तो होगी? यस एग्जैक्टली होगी। तो दिशा क्या होगी? हमेशा मैंने कहा है कि कोई भी आप मैप देखो तो वहां पे आपको ऊपर क्या लिखना होगा उत्तर, और नीचे क्या लिखना होगा दक्षिण, दाएं तरफ लिखना होगा पूर्व और बाएं तरफ होगा पश्चिम। ठीक है ये इस तरीके से ऊपर उत्तर कोई भी, चाहे आप इंडिया का देखो, विश्व का देखो या पृथ्वी को देखो। ऐसे YouTube पे एक सजेशन वीडियो आ रही थी मेरे सामने कि
कैसे याद करें मानचित्र में दिशाएं। मैं यार इसमें तो याद करने की कोई बात ही नहीं है, उसमें यही बोल रखा था कि हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपके दाईं तरफ पूर्व होता है, बाईं तरफ पश्चिम होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये हवाएं जो चलती हुई दिखाई देगी, ये जो दिशा होगी ये वाली, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये जो दिशा है ये होगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ग्रीष्म काल में जो भारत में हवाएं चलती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती हैं। अब देखो ये हिंद महासागर से आ रही हैं, हिंद महासागर से आ रही हैं, ये इंडिया के अंदर एंटर करती हैं कहां से, केरला जो है ये यहां से एंटर करती हैं, स्पेशली भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर केरला से एंटर करेंगी। अगर पूछे भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है, तो अंडमान निकोबार जो है ये यहां आता है, और ध्यान रखना ये अरब सागर का ही आएगा अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी का नहीं आएगा, है ना। तो ये जो है क्यों आएगा, क्योंकि हवाएं ऐसे चल रही हैं दोस्त, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। अब ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, ये हवाएं यहां पे टकराई, भारत के अंदर बारिश हुई, अब ये हवाएं आगे चली गई। अब देखो जब ये आगे जा रही हैं तो ये यहां पे नमी कहां से ले रही हैं, बंगाल की खाड़ी से। जब कभी हवा समुद्र के ऊपर से जाती है तो समुद्र की नमी जो है या आर्द्रता जो है उसको अवशोषित कर लेती है वो। अब देखो मान लो यहां पे भारत म्यांमार सीमा पे देखने को मिलता है पर्वत जिसका नाम है अराकान योमा, इसका नाम है अराकान योमा। ये अराकान योमा अगर पर्वत नहीं होता तो ये हवाएं जो है डायरेक्टली निकल जाती, इस तरीके से आगे ही चली जाती सारी की सारी। बट यहां पे काफी ऊंचा पर्वत देखने को मिलता है अराकान योमा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये टकराती है यहां पे और ये भारत में इस तरीके से मुड़ जाती है क्योंकि ऊपर है हिमालय पर्वत, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ना भारत के अंदर मूव ही दो ही कारण से करती है, यहां पे तो ये अराकान योमा जो है ये रोक देता है, और यहां पे जो है बंगाल की ऊपर हिमालय पर्वत जो है ये रोक देता है। आप लाइक इसको इस तरीके से सोचिए कि मान लो सामने से हवा आ रही है और मैंने दो तरीके से अवरोध लगा दिए हैं, दो तरफ अवरोध लगा दिए हैं, और अवरोध भी मैंने कैसे लगा दिए हैं, एक अवरोध मैंने इस तरीके से लगा दिया है और एक अवरोध इस तरीके से लगा दिया है। तो सिंपल सी बात है, हवा आएगी यहां टकराएगी फिर ये यहां से यहां चलेगी, तो इस तरफ नीचे वाले क्षेत्र में या ये जो सम्मुख वाला क्षेत्र है यहां बारिश होगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के अंदर मानसून करवाने में सहायक कौन सा पर्वत है, तो ये अराकान योमा है। और सिंपल सा क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि अराकान योमा पर्वत पाया जाता है, मैं बोल सकता हूं म्यांमार जो है यहां पे पाया जाएगा। यहीं पे आप एक नदी देखते हो और स्पेशली इस नदी का नाम देखने को मिलेगा, म्यांमार के अंदर ही निकलती हुई दिखाई देती है, छोटी सी नदी होगी और इस नदी का नाम देखने को मिलेगा आपको इरावदी, ठीक है। यहां पे म्यांमार जो है यहां पे आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम होगा इरावदी नदी, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक। यहां तक की कहानी में मेरे को नहीं लगता है कोई इशू होगा आपका। इरावदी नदी तो मैं बोल सकता हूं हिमालय से निकलती है विभिन्न धाराओं के मिलने के बाद, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इरावदी नदी है और अंडमान सागर के अंदर अपना पानी मिलाती है भारत के अंदर आपका, ठीक। चलो जी सर, ये तो हुई यहां पे। अब देखो यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है, क्या एक नदी देखने को मिलेगी शालविन नदी, पर यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यांमार में क्या इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के अंदर एक पठार देखने को मिलता है और इस पठार का नाम है शान का पठार। और ध्यान रखना ये शान का पठार जो है ना यहां पे सीसा जस्ता और चांदी जो है ये निकलता है। शान के पठार में क्या मिलता है, सीसा जस्ता चांदी। कई बार पूछता है शान का पठार कहां है, तो शान का पठार कहां है, म्यांमार के अंदर है, ठीक। और इस पठार में से एक नदी गुजरती है जिसका नाम होगा सालविन नदी, और सालविन नदी अगर आप देखना शुरू करते हो तो थाईलैंड और म्यांमार जो है इसके बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको बनाती हुई दिखाई देगी। ये इतना सा ध्यान रखना, यहां पे आपको बगल में दिखाई देगा थाईलैंड म्यांमार के जस्ट बगल में, और यहां पे दिखाई देता है एक शान का पठार, और इस शान के पठार से निकलती हुई दिखाई देगी आपको शालविन नदी। और ध्यान रखना ये शान का पठार जो है यहां पे सीसा जस्ता और चांदी जो है वो मिलते हैं। अब देखो सर, सीसा जस्ता उसके साथ में मैंने एक नाम जोड़ दिया आपका चांदी का, है ना। तो ये एक सिंपल सी बात है क्या, कि जहां पे लेड मिलता है वहां जिंक मिलता है, और लेड और जिंक का सीसा और जस्ता का जब शोधन करा जाता है तो वहां चांदी मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। मैं मतलब अगर आपसे बोलूं कि भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा सीसा जस्ता कहां मिलता है, तो सिंपल सा एक आंसर होता है अपना कि साहब भारत में सबसे ज्यादा सीसा जस्ता भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है हमारे। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा चांदी कहां मिलता है, तो सिंपल सी बात है सर, जहां सीसा जस्ता होगा वहीं चांदी होगा, है ना।
जहां पे सीसा जस्ता सबसे ज्यादा होता है वहीं आपका चांदी होता हुआ दिखाई देगा। आप उसी तरीके से देख लीजिए, जहां पे पानी होगा वहीं कृषिगत उत्पादन होगा, या फिर भाई जिस घर के अंदर दूध का उत्पादन ज्यादा होगा तो वहीं आपका जो है घी का उत्पादन ज्यादा होगा। तो जब यहाँ पे मतलब या मतलब सिंपल सा है, सीसा जस्ता का जब शुद्धिकरण करा जाता है, जब इसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक, आपका लेड और जिंक जो है जब शोधन करा जाएगा, तो मतलब जिंकाइड जो है वो मिलता है, और जब जिंकाइड का शोधन करा जाता है तो वहां से सीसा जस्ता और चांदी अपने को प्राप्त होते हैं। ये इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप सो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी इस एरिया तक की। अब चलो सर, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है क्या, एक देश देखने को मिलता है थाईलैंड। थाईलैंड भी घुमाते हैं, आ जाओ। चलो कहाँ गया थाईलैंड, दिखाई दे रहा है थाईलैंड, देखो जरा थाईलैंड दिखाई देगा, है ना, ये इधर दिखाई दे रहा है थाईलैंड मेरे को, ये दिखाई दे रहा है थाईलैंड। थाईलैंड की आप यहाँ पे कैपिटल देखना शुरू करोगे तो स्पेशलिस्ट की आ गई सर, बैंकॉक कहाँ गया यार, बैंकॉक भाग गया क्या, देखो, अरे भगवान मेरे, ये दिख रहा है ना, इसका लग रहा है बैंकॉक, ठीक। जिसने ट्रांसलेशन करा है मैप बनाने में, मूलतया इन्होंने शायद कोई इंग्लिश वाली एटलस उठाई होगी फिर ट्रांसलेशन करा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ, नारकोडम को नारकोदम लिख रखा है ना, बैरन को बैरन लिख रखा है, बैरन ज्वालामुखी भारत का। चलिए सर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है बैंकॉक, और बैंकॉक जो है दिखाई देती है थाईलैंड की राजधानी, और इस थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पे, यानी कि म्यांमार, म्यांमार के पास में अपन कहाँ पे आए, ये दिखाई दिया इंडिया, इंडिया के बाद में दिखाई दिया म्यांमार, और म्यांमार के इधर दिखाई दिया अपने को क्या, थाईलैंड दिखाई दिया, है ना, ये थाईलैंड जो है ये दिखाई दे रहा है, और थाईलैंड की कैपिटल दिखाई दे रही है मेरे को बैंकॉक। और बैंकॉक पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक नदी दिखाई देती है, और इस नदी का नाम दिखाई देगा आपको चाओ फ्राई, ठीक है, चाओ फ्राई नहीं होगा, ये होगा चाओ फ्राई, यहाँ पे एक नदी दिखाई देती है चाओ फ्राई, ये ध्यान रखना, ठीक। मेकोंग नदी अभी मैंने बताया आपको तिब्बत के पठार से निकलती है मेकोंग नदी, और चीन म्यांमार और लाओस की जो है एक ट्रिपल पॉइंट से गुजरती हुई दिखाई देगी, और ये आपको स्पेशली म्यांमार और लाओस जो उसकी सीमा बनाती है, वियतनाम में होती हुई डेल्टा जो है ये बनाती है आपका, ये यहाँ तक की जो है आपको मेकोंग तक की कहानी जो है ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जल संधि का भी अपने को कोई काम नहीं है, जल संधि नहीं देखनी है अपने को। आओ चलो एक मेकोंग हो गई, हाँ जी सर, वांगो नदी की बात कर ही ली अपन ने, है ना, यांगटीसी, ठीक। सबसे पहले अपन देखते हो यांगटीसी नदी जिसकी बात करी, तो मैंने कहा तिब्बत के पठार से निकलती है, पूर्वी चीन में गिरती है, चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, फिर अमेजन, फिर देखने को मिलती है यांगटीसी। यांगटीसी वही जो पूर्वी चीन सागर में आ रही थी, और स्पेशली आप देखते हो तो यहाँ पे इसके तट पे जो आपको शहर देखने को मिलेंगे, शंघाई देखने को मिलेगा, वुहान देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो है मैं बताना आपको भूल गया यांगटीसी के बारे में। आप अगर फिजियोग्राफी देखना शुरू करते हो चाइना की, या इस यांगटीसी वाले क्षेत्र को आप यहाँ पे देखना शुरू करते हो, ये वाला क्षेत्र चाइना का, देखो चाइना का मैक्सिमम एरिया जो है वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है, अधिकांशतः आप देखोगे यहाँ पे पर्वत और पठार जो है ये देखने को मिलेंगे। एक वर्ल्ड मैप जो है ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए, माय गॉड, यहाँ पे आप देखिए ये विश्व का मैप दिखाई दे रहा है। तो देखो विश्व के मानचित्र में अगर आप देखते हो, ये जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा प्लेटो ऑफ तिब्बत का है, और ये जो पूरा ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है पर्वत पठार और मरुस्थल जो है ये दिखाई देते हैं, ये जो हरा रंग दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है मैदान, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको समतल मैदान। देखो मानव की एक विशेषता है, मानव जो है सामान्यतः पसंद करता है मैदान में रहना। कई बार आपके जनसंख्या के क्वेश्चन भी आते हैं, विश्व में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको निवास करती हुई दिखाई देगी वो दिखाई देगी आपको शीतोष्ण क्षेत्र में, और मैं बोल सकता हूं मैदानों के अंदर। अगर पूछे एशिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो मैं बोल सकता हूं एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी तट पे निवास करती है।
अगर मुझसे पूछे यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या जो है पश्चिमी तट पे निवास करती है। अगर मुझसे पूछे अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो पूर्वी तट पे निवास करती है, अमेरिका के अंदर, ये पूर्वी तट पे। एशिया के अंदर भी पूर्वी तट पे, देखो ये पूर्वी तट जो है मैदान देखने को मिलता है, और स्पेशली आप देखते हो तो यहाँ पे आपको यांगटीसी नदी देखने को मिलती है। तो यांगटीसी नदी जो है, इस नदी का मैदान देखने को मिलता है जहां पे भी आपको मैदान, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की बात कर लूं, इंडिया में आपको यूपी और बिहार देखने को मिलते हैं गंगा के मैदान, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मैदान है तो कृषिगत उत्पादन ज्यादा है, कृषिगत उत्पादन ज्यादा है तो पेट भरने की क्षमता ज्यादा है, और पेट भरने की क्षमता है तो सीधी सी बात है जनसंख्या भी ज्यादा है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है सर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एशिया के पूर्व में यांगटीसी नदी का जो मैदान देखने को मिलता है, इस यांगटीसी नदी के मैदान में आपको उत्पादन होता हुआ दिखाई देगा, किसका? सिंपल सा है, चावल का उत्पादन। आप किसी का उत्पादन नहीं करेंगे यहां पे, केवल केवल चावल जो है इसका प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे देखना शुरू करते हैं। यांगटीसी के बाद में मैंने आपसे दूसरी जो है सीकियांग की बात कर ही ली थी, और सीकियांग नदी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है, और आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, यहां से उद्गम होता है, दक्षिणी चीन सागर में मिलती है, और स्पेशली चावल की खेती होती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है सीकियांग नदी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी हांगकांग और मकाऊ की, मैंने आपके बात करी थी कि हांगकांग और मकाऊ जो है ये दो ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जो कि पुर्तगाल के अधीन हुआ करते थे। स्पेशली मैंने नाम यहाँ पे मकाऊ का लिया था, मकाऊ सबसे लास्ट में फ्री हुआ है चाइना में, सबसे बाद में आजाद हुआ है ये आपका। आमूर नदी जो है स्पेशली ध्यान रखना मंगोलिया क्षेत्र के अंदर, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, ठीक है। चलो सर, अब देखो यहां पे कुछ मरुस्थल जो है एशिया के अंदर ही देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मरुस्थल देखने को मिल रहा है एशिया में, नदियां, मतलब एक मिनट रुक जाओ यार, नदियां सारी हुई हैं चाइना के अंदर तो ही है ना अपन, हाँ नदियां लेते हैं पहले नदियां लेते हैं, उसके बाद में लेंगे मरुस्थल। रूस के अंदर तीन नदी बताई मैंने, तीन नदियां बताई हैं, कौन कौन सी? एक तो बताइए ओब, एक बताइए येनिसी, और एक बताइए लीना, ठीक है। तीन नाम बोल रहा हूं, ओब, येनिसी और लीना। ये आ जाओ मेरे साथ रशिया के अंदर, आए ऊपर, देखो ये ऊपर की तरफ आते हो, रूस के अंदर बिल्कुल ऊपर की तरफ आओ, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ आओ, यहां पे आओ, यहां पे आपको देखने को मिलता है ये, जैसे ही आप ये ऊपर जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा कहां पे, मैं बोल सकता हूं ये आर्कटिक सागर जो है ये देखने को मिलता है, और यहां पे आर्कटिक सागर में ऊपर की तरफ तीन नदियां जाती हुई दिखाई देंगी रशिया से। एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम होगा ओब रिवर, एक का नाम होगा येनिसी रिवर, और एक बिल्कुल पूर्व के अंदर आप आ जाइए तो यहां पे आपको एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम होगा लीना, ठीक है। तीन नदी दिखाई देती हैं, ओब, येनिसी और लीना। अगर आप एटलस में देखोगे तो ऊपर दिखाई देगी एक लीना नाम दिखाई देगा, एक नाम दिखाई देगा ओब, एक दिखाई देगा येनिसी। ओब, येनिसी, लीना, तीन नदी जो है ये ऊपर जाती है रशिया के अंदर, या मैं बोल सकता हूं आर्कटिक सागर के अंदर। देखो इन तीनों नदी की विशेषता क्या होगी, ओब, येनिसी और लीना की, शीतकाल में ये जमी मिलती हैं बिल्कुल, सर्दियों में ये नदियां जमी मिलेंगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान कम देखने को मिलता है, ठीक है। नीचे की तरफ आ जाओ, यहां पे आप आते हो तो आपको दिखाई देता है कैस्पियन सागर, यहां पे दो नदियां दिखाई देंगी, कौन कौन सी? एक नदी दिखाई देगी यूराल, और एक नदी दिखाई देगी आपको कौन सी, यहां पे वोल्गा। दो नदी आती हैं कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग जो है, यहां पे दो नदियां आती हुई दिखाई देंगी, एक का नाम होगा यूराल, एक का नाम होगा वोल्गा। रशिया में गई कौन सी, ओबीएनसी लीना, और यहां पे कौन सी गई आपकी, यूराल और वोल्गा। यहां पे आ जाइए, ये मैं रशिया देखना शुरू कर रहा हूं, और रशिया के अंदर मेरे को स्पेशली तीन नदी आती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, एक का नाम होगा ओब, एक नदी जो है इसका नाम होगा येनिसी, और एक नाम होगा इसका नाम होगा लीना। ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले को लीना का पता होगा, मैकिंडर की थ्योरी के अंदर लीना का नाम है। यहां पे आप आओ, ये दिखाई देता है कैस्पियन सागर, ये घोड़े नुमा आकृति है कैस्पियन सागर। मैं कई बार बोलता हूं कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील और लवणीय झील, विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये बोलते हो आप, यहां पे देखने को मिलती है सुपीरियर, अमेरिका की और कनाडा की सुपीरियर जो है
ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर खारे पानी की झील, और विश्व की सबसे गहरी झील तो रूस की देखने को मिलती है बेकाल झील। ठीक है, कैस्पियन सागर में दो नदियां पानी मिलाती हैं, एक का नाम दिखाई देगा यूराल नदी और दूसरी नदी जो है इसका नाम दिखाई देगा वोल्गा नदी, ये देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब सर यहां पे आ जाओ, आपको दिखाई देता है ये कैस्पियन सागर के जस्ट बगल में दिखाई दे रहा है, ये देखो एटलस के अंदर ये कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है घोड़ेनुमा, देखो सर, और इसके बगल में एक छोटा सा डॉट जो है ये दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा डॉट जो है ये दिखाई दे रहा होगा। देखो जैसे अपन देखते हैं ना, ये है भूमध्य सागर, ये है आपका काला सागर, ये है कैस्पियन सागर और ये है आपका अरल सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर के ऊपर काला सागर, काला सागर के ऊपर देखोगे ना तो यहां पे देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं एजियन। ठीक है, यहां पे देखने को मिलता है, इसको छोटे से एरिया को बोलते हैं एजियन सी। ये देखने को मिलता है कैस्पियन, और कैस्पियन के बगल में देखने को मिलता है मेरे को अरल, नाम दे रखा है अरल सागर पर है झील ये दोस्त। ठीक, ये दोनों सागर हैं, ये दोनों झील हैं। भूमध्य सागर सागर है और ये आपका काला सागर भी सागर है, कैस्पियन सागर झील है और अरल सागर भी झील है। ठीक, क्योंकि झील किसको कहते हैं, जो चारों तरफ स्थल से घिरी हुई हो उसको बोलते हैं अपन झील। ठीक है सर, चलो अब देखो यहां पे आगे देखते हैं क्या कहानी है इसकी। सर स्पेशली आप देखना शुरू करते हो अरल सागर, ये आ जाओ, ये देखो दिखाई दे रहा है अरल सागर, ये देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि अरल सागर जो है ये कौन से देश में पाया जाता है। सर दो देशों में पाया जाता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान मतलब ये ऊपर है, नीचे उज्बेकिस्तान जो है ये नीचे है, है ना। विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोडक्शन में है आज के डेट में, अगर पूछे कि यूरेनियम का प्रोडक्शन कहां होता है, यहां एक बार देखो कहां पे है ये देखो हम आए यहां पे, इंडिया दिखाई दे रहा है अपना, भारत दिखाई दे रहा है, भारत के इधर आओ, इधर दिखाई देता है कौन सा, अफगानिस्तान दिखाई देता है, अफगानिस्तान के ऊपर देखो इधर, इधर दिखाई दे रहा है उज्बेकिस्तान जो है ये दिखाई दे रहा है ना, और उज्बेकिस्तान के ऊपर जो है यहां पे आओ तो दिखाई देता है कजाकिस्तान। ठीक, ये दिखाई देता है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कौन है, अरल सागर। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कौन है, अरल सागर। अरल सागर के अंदर दो नदियां आती हुई दिखाई देती हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अरल सागर में पानी मिला रही हैं। क्या नाम होगा, एक का नाम दिखाई देगा सर दरिया और एक का नाम दिखाई देगा आमू दरिया, ये दो दिखाई देते हैं, सर दरिया और एक दिखाई देता है आमू दरिया। ठीक है, ये दिखाई देंगे सर दरिया और आमू दरिया जो हैं ये आते हैं कहां पे, स्पेशली आपके अरल सागर के अंदर। देखो दरिया पता है किसको कहा जाता है, जो कि शांत रूप से प्रवाह होता है, जिनका जो शांत रूप से प्रवाहित होते हुए दिखाई देंगे उनके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है दरिया, है रिवर ही है आपका। चलो सर कौन कौन सा है इनका भी देख लेते हैं, इनके बारे में क्या, ओबीएनसी लीना की बात हो ही गई आपका। चलो सर सर दरिया की बात करते हैं अपन, तो सर दरिया पहली बात उद्गम जो है ये होगा मध्य पूर्वी प्रदेश से एशिया के, संगम कहां, अरल सागर के अंदर, मध्य एशिया के अंदर, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी, ऑब्वियस उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की, और तो किसी देश के मध्य बना नहीं सकती है आपका, कौन सा, सर दरिया। एक देखने को मिलता है आमू दरिया, ये भी ध्यान रखना ये अरल सागर के अंदर मिलता है, तो एक अरल सागर मध्य एशिया के अंदर सर दरिया आमू दरिया दो मिलते हैं, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पे है, वर्तमान में अपना अस्तित्व जो है खो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, ये सिकुड़ रहा है, धीरे धीरे जो है इसका एरिया छोटा होता जा रहा है। ठीक, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। आई होप सो यहां तक की कहानी आपको समझने में आई होगी। आओ चलो सर आगे देखते हैं, आगे देखने को मिलती है आपको कौन सी नदी, एक देखने को मिलती है आपका एटलस में, अगर आप देखते हो यहां आ जाओ, ये यहां से आगे निकलो, तुर्की में आ जाओ और सऊदी अरब में आ जाओ, इराक ईरान में आ जाओ, यहां आ जाओ सर। देखो सर शायद आपके एटलस के अंदर जो है वो लिखा होगा क्या, दजला फरात जो है वो लिखा होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, एक नाम तो देखने को मिलेगा आपको यूक्रेट्स, या इसके लिए जो है आपका दजला फरात लिखा होगा, और
यूक्रेट्स और तिग्रिस जो है ये लिखा होगा, ठीक। इराक के अंदर देखने को मिलता है ये आपका, या तो मैं बोल सकता हूँ दजला फरात जो है ये वर्ड यूज़ करा होगा एटलस में, या आपका तिग्रिस यूक्रेट्स जो है वो यूज़ करा होगा एटलस में। और एटलस के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको पश्चिमी एशिया के अंदर देखना, एटलस के अंदर यहाँ पे स्पेशली पश्चिमी एशिया जो है वो मिल जाएगा आपको। और अगर आप लोगों के पास में एटलस नहीं है तो एटलस जो है वो मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, सॉफ्ट कॉपी आप देख सकते हो उसके, है ना। हार्ड कॉपी अगर नहीं है और आप परचेज नहीं कर सकते और परचेज नहीं करना चाहते तो ये आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी टेलीग्राम पे डाली हुई। यहाँ पे आ जाओ सर, स्पेशली तिग्रिस से लिखा हुआ है सर, तिग्रिस और यूक्रेट्स जो है यही वर्ड है, दजला फरात नहीं है वर्ड यूज़, दजला फरात नहीं है यूज़। आओ देखो सर, यहाँ पे आओ, क्या दिखाई देता है ये, स्पेशली ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, ये आपका देखो, यहाँ पे दो जगह दिखाई देती हैं। सऊदी अरब है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब के ऊपर आपको ईरान दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है इराक दिखाई दे रहा है। ये जो जगह आ रही है ना, ये जगह इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया, या इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, ठीक। ये क्या है, गल्फ ऑफ पर्शिया या फारस की खाड़ी। जैसे सामान्यतः मैंने कई लोगों को बोलते हुए देखा है कि यार वो तो जॉब कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है कहाँ पे, बोले वो तो अरब देश में कर रहा है, सामान्यतः ये बोला बोलते हुए देखा होगा, कहाँ कर रहा है, सब अरब देशों के अंदर जॉब कर रहा है। या क्या देखा होगा आपने, सुनता हुआ कि सर गल्फ कंट्रीज के अंदर जॉब है, या गल्फ कंट्रीज के अंदर गया हुआ है। ये जो कंट्रीज हैं आप देखना शुरू करते हो, इनको गल्फ कंट्रीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गल्फ यानी कि खाड़ी के तटीय क्षेत्र पे हैं। खाड़ी किसको कहते हैं भूगोल में, वह जलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ जल से स्थल से घिरा हुआ हो, वह जलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ स्थल से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें ज्योग्राफी की। क्या खाड़ी किसको कहेंगे, वह जलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, खाड़ी, और वह स्थलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की परिभाषा क्या है, वह स्थलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हो बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। वह जलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ स्थल से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं क्या, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगर स्थल घिरा हुआ है जल से तो होगा प्रायद्वीप, अगर जल घिरा हुआ है स्थल से तो होगा खाड़ी, ठीक है सर, सिंपल सा। तो यहां पे दिखाई देते हैं कौन सा अपने को, ये खाड़ी जो है ये दिखाई देती है। अब खाड़ी इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म जब देखोगे ना दोस्त, तब ये आता है कई बार, राजस्थान के भूगोल में भी आता है कई बार, जब आप मावठ पढ़ते हो या वेस्टर्न मॉनसून, आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ते हो। ये जो जगह है इसका नाम है गल्फ ऑफ पर्शिया, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। और इधर जो देखने को मिल रहा है ना, इधर देखो, ये इधर वाला एरिया, ये भी एक छोटी सी खाड़ी बन रही है, इसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी। ये देश देखने को मिल रहा है ओमान, इसके पास में देखने को मिलती है ओमान की खाड़ी, है ना। देखो यहां पे कुछ लोकेशन मैं बताता चलता हूं, ये देखने को मिलती है कौन सी आपको, यूग्रेट, आपका एक तो तिग्रिस और यूक्रेट्स, ये जो नदी देखने को मिलती है दजला फरात नदियां, ये ईरान इराक जो है यहां पे देखने को मिलेंगी, और स्पेशली अपना मैं बोल सकता हूं फारस की खाड़ी जो है यहां पे अपना पानी लेके जाती हैं, ठीक। इसी के तट पे आपको बसरा भी देखने को मिलेगा। देखते हैं सबसे पहले तिग्रिस नदी देखते हैं, तो देखो तिग्रिस नदी अगर आप देखना शुरू करते हो तो टॉरस पर्वत से निकलती है, फारस की खाड़ी में मिलती है, तुर्की सीरिया और इराक से गुजरती हुई दिखाई देगी, और तिग्रिस नदी जो है इराक की यूक्रेट्स जो है इससे मिल जाती है, और दोनों के मिलने के बाद में इनको कहा जाता है शत अल अरब, ठीक है। तिग्रिस और यूक्रेट यानी कि दजला और फरात, दजला और फरात दोनों मिलने के बाद क्या कहलाई जाती है, शत अल अरब। इसके लिए हिंदी में दजला और फरात भी नाम हो सकता है आपका। पेट्रोलियम भंडार नो डाउट इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। एक ध्यान रखना, तिग्रिस जो देखने को मिलती है इसके तट पे आपको देखने को मिलता है, मतलब इराक की राजधानी जिसका नाम होगा बगदाद, ये ध्यान रखना। यूक्रेट्स तो मैं बोल सकता हूं पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये देखने को मिलती है आपकी, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये झीलों की अभी बात करूंगा कुछ यहां पे। अब देखो यहां पे ये तो बात आई क्या किसकी, तिग्रिस की बात आई, यूक्रेट्स की बात आई, इन दोनों नदियों की, जापान की जल संधियां लास्ट में देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब बची कुछ चीजें जो है वो और देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे बची हुई हैं। तिग्रिस हो गई, यूक्रेट्स हो गई, दजला फरात हो गई। चलो सर,
रूबल खाली हो गया, इनको देखते हैं अभी। आओ चलो, यहां पे आप देखना शुरू करते हो, ये तो शायद मैंने अफ्रीका में बताई दिया था अपने को, स्वेज कैनाल तो अफ्रीका में बताई दिया था, है ना, अफ्रीका में बताई दिया था। यहां चलो मेरे साथ, यहीं पे आपको देखने को मिलता है क्या, ईरान दिखाई दे रहा है, ईरान, ईरान दिखाई दे रहा होगा। ईरान के अंदर यहीं पे आप देखोगे एक जगह देखने को मिल रही है जिसका नाम है अबादान। ईरान के अंदर जो है यहां पे एक जगह दिखाई दे रही है जिसका नाम है अबादान। ध्यान रखना, अबादान जो है ना ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है इसकी। अगर पूछ ले कि पेट्रोलियम रिफाइनरी अबादान कहाँ है, तो ईरान के अंदर है। यहीं पे आओ आप ईरान में, ये तेहरान दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल है तेहरान ईरान की। यहां पे नीचे की तरफ आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम होगा एल्ब्रुज, ठीक है, इसका नाम क्या देखने को मिलता है, एल्ब्रुज। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन बता देता हूं, मैक्सिमम लोगों को जो कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, दो नाम देखने को मिलते हैं। एक नाम तो देखने को मिलता है कौन सा आपका, देखने को मिलता है माउंट एल्ब्रुज, एल्ब्रुज, क्या बोल रहा हूं, एल्ब्रुज। और एक देखने को मिलता है कौन सा, माउंट एल्ब्रुश। दोनों में अंतर है, एल्ब्रुज और एल्ब्रुश दोनों में अंतर है। इसका नाम है एल्ब्रुज और इसका नाम है क्या, एल्ब्रुश, ठीक है। अलबुर्ज या आप अलबुर्ज बोल दो या एल्ब्रुज बोल दो, और एक देखने को मिलता है एल्ब्रुश। यहां पे आप देखते हो तो यह दिखाई देता है क्या, काला सागर और कैस्पियन सागर। इन दोनों के मध्य एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम है काराकोरम, और ये काराकोरम जो है स्पेशली ये है आपका यूरोप के अंदर, और यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पे वो पाया जाता है माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम बताया, माउंट एल्ब्रुस। यहां पे आप आओ तो यहां दिखाई देता है ईरान, कैस्पियन सागर के नीचे ईरान में एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम क्या आपका, माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रुस। दूसरा मैप उस पे दिखाता हूं, आई थिंक वहां पे ये बिल्कुल क्लियर ही होगा। इसका तो मैप है मेरे पास में, कहां गए सर, ये रहा, इसमें भी नहीं दे रखा है क्या, नहीं है, चलो कोई नहीं है, नहीं है तो करें भी क्या, आप इसका नहीं दे रखा भाई ने, चलो नहीं दे रखा तो क्या ही करें। यहां पे दिखाई दे रहा है ईरान, कहां गया अपन, कैस्पियन सागर, हाँ यहां पे दिखाओगे तो यहां पे दिखाई देगा आपको ईरान के अंदर क्या, माउंट एल्ब्रुस जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, अगर आपके पास में इस एरिया की एटलस है तो यहां पे दो माउंटेन और देखने को मिलते हैं ईरान में इसी क्षेत्र के अंदर, एल्ब्रुज माउंटेन आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा, एल्ब्रुज। एल्ब्रुज के बाद में आप यहां पे देखते हो तो आपको एक माउंटेन देखने को मिलता है जिसका नाम दिखाई देगा आपको स्पेशली देवमंद जो है ये देखने को मिलता है। एल्ब्रुज के जस्ट नीचे जो है यहीं पे आपको देखने को मिलता है देवमंद जो है ये देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है कि आपका कोह सुल्तान जो है ये देखने को मिलता है। दो देखने को मिलेंगे, एक तो देखने को मिलेगा आपको देवमंद और एक देखने को मिलता है कोह सुल्तान। ये दोनों कहां पे, ईरान के अंदर हैं। और ध्यान रखना, ये देवमंद जो है ये ईरान का सर्वोच्च शिखर होगा, और दोनों के दोनों जो है ना ये क्या है आपके, मृत ज्वालामुखी पर्वत हैं। अगर पूछ ले देवमंद और कोह सुल्तान कैसे पर्वत हैं, तो मृत ज्वालामुखी पर्वत हैं। दोनों कहां पे, ईरान के अंदर है आपका। अलब्रुज जो है वो ईरान में है, कोह सुल्तान ईरान में है, और देवमंद जो है ये ईरान में है। यहां पे पाकिस्तान और ईरान जो है इसके बॉर्डर पे एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम होगा कमरान। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे एक पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम क्या होगा, कमरान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई एशिया के अंदर पाए जाने वाली कुछ नदियों की और कुछ पहाड़ों की। अब बात करते हैं एशिया के अंदर पाए जाने वाले मरुस्थलों की। मरुस्थल जो है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। अब देखो मरुस्थल वाले क्वेश्चन जो है ना, सामान्यतः आपको बोल दिया जाता है कि सर एक अरब का मरुस्थल पाया जाता है या और कोई मरुस्थल पाया जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर हम इसमें स्पेशली इंडिया गवर्नमेंट की जो इमेजेस हैं इनका यूज़ करें तो शायद अपने लिए कुछ बेटर होगा।
आप देखना शुरू करते हो आपको दिखाई देता है कौन सा, ये दिखाई देता है कौन सा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम क्या दिखाई देगा आपको, स्पेशली यहाँ पे रब अल खाली या रुब अल खाली, एक डेजर्ट दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, रुब अल खाली या रब अल खाली। कई जगह जो इसके लिए वर्ड जो है आपका रब अल खाली भी जो है ये भी यूज़ करा हुआ होगा, और रुब अल खाली नहीं है, तो रब अल खाली जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये रब अल खाली या रुब अल खाली जो है ये आपको देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया के अंदर। नेक्स्ट सर, आपको देखने को मिलते हैं दो मरुस्थल ईरान के अंदर। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ईरान में दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं। एक का नाम दिखाई देगा ऊपर की तरफ दस्त ए काबिर, और नीचे की तरफ देखते हो तो देखने को मिलता है दस्त ए लुट, है ना? ये दो नाम ध्यान रखने हैं, दस्त ए काबिर या दस्त ए लुट। दस्त ए काबिर कहाँ है ईरान में, दस्त ए लुट कहाँ है ईरान में, और रुब अल खाली कहाँ पे है, सऊदी अरब में, है ना? रुब अल खाली कहाँ पे, सऊदी अरब में। दस्ते काबिर और दस्ते लुट जो है ये ध्यान रखने हैं, ठीक। बाकी एक बता दूं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आरएएस में पूछे जा सकते हैं या ग्रेड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक इसके अंदर देखने को मिलता है एक शहर जिसका नाम है जेद्दा। ये जेद्दा जो है ना, इसको बोला जाता है मक्का का एंट्री गेट। मक्का जो है धार्मिक स्थल है, और सामान्यतः कोई समुद्री मार्ग से जो आता है तो मक्का डायरेक्टली नहीं जा सकता, मक्का अंदर देखने को मिलेगा, वो जेद्दा आएगा, और जेद्दा से जो है वो मक्का आएगा आपका, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। रुबल खाली हो गया, दस्ते काबिर हो गया, दस्ते लुट हो गया। आगे चलिए, यहाँ पे ऊपर आते हो तो आपको एक बड़ी डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलता है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया की अगर बात करी जाए तो देखो ये पोर्ट सईद लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो इसका नाम है इसराइल, ठीक। इसराइल देखने को मिलता है, और इसराइल के बाद में आप यहाँ पे देखना शुरू करते हो तो आपको एक देश देखने को मिलता है इसके जस्ट बगल में, जॉर्डन दिखाई दे रहा है, जॉर्डन यहाँ पे एक देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, जॉर्डन जो है ये देखने को मिलता है। अब देखो जॉर्डन में अगर अपन आ जाते हैं तो स्पेशली जॉर्डन के अंदर आपको एक सागर दिखाई देगा, ठीक। एक ऊपर टर्की दिखाई देता है, एक जॉर्डन दिखाई देता है, यहाँ पे दो जगह दिखाई देंगी, इनको देखते हैं। तो टर्की के अंदर तो एक दिखाई देती है लेक वॉन, इसका नाम है वॉन झील, और वॉन झील जो है विश्व की सबसे लवणीय झील है, विश्व की इससे ज्यादा खारी झील कोई नहीं है। और यहां पे आप देखते हो जॉर्डन, ये जॉर्डन का है मृत सागर, ठीक है? ये दूसरे नंबर का खारा होगा आपका, दूसरे नंबर पे मैं बोल सकता हूं खारी झील देखने को मिलती है जॉर्डन के मृत सागर की, पर ये समुद्र तल से नीचे। अब देखो दोनों ही कहानी को समझ लेते हैं क्या है। देखो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे बड़ी खारी झील, मेरा आंसर होगा कैस्पियन सागर, कि कैस्पियन जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी। मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि विश्व की सबसे गहरी झील, मैं बोलूंगा बेकाल, सबसे गहरी जो है बेकाल है आपका। मुझसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, है ना, सर्वाधिक लवणीय झील जो है ये पूछ रहा है मुझसे। अब देखो सबसे बड़ी और सर्वाधिक दोनों में अंतर है, यानी कि है तो ये लवणीय है तो इसका खारा पानी कैस्पियन सागर का, पर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। और अगर बात करी जाए किसकी, यहां पे देखने को मिलती है टर्की की या तुर्की की लेक वॉन, तो लेक वॉन जो है इसकी लवणता बहुत ज्यादा है, इसका पानी खारा बहुत ज्यादा है। यानी कि आप देखो कई बार आप मान लो पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हो तो आप बोलते हो यार थोड़ा सा खारा पानी है भाई, पानी जो है इसमें टेस्ट नहीं है, खारा है। या फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा और खारा पानी दे दे, बोला यार बिल्कुल कड़वा पानी दे दिया, तो ये पानी जो है तो बिल्कुल ही कड़वा है। टर्की की अगर वॉन की बात करी जाए तो लेक वॉन जो देखने को मिलती है इसका पानी इतना ज्यादा लवणीय है कि यहां पे अगर मैं 1000 ग्राम पानी लेके चलता हूं, है ना, कितना, 1000 ग्राम पानी, लीटर में नहीं, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो पानी, और 1000 ग्राम पानी को वाष्पीकृत करता हूं तो उसमें से 330 ग्राम जो है वो क्या मिलते हैं मेरे को, घुलनशील लवण मिलते हैं। नमक जो बनाया जाता है वो समुद्री जल या मैं बोल सकता हूं झीलों के जल को वाष्पीकृत करके बनाया जाता है। लवणीय झील जो होती है या समुद्री लवणीय जल जो होता है उसको वाष्पीकृत करते हो तो आपको नमक की प्राप्ति होती है।
तो यहां पे टर्की की वॉन लेक का अगर हमने 1000 ग्राम पानी ले लिया तो उसमें 330 ग्राम जो है वो मेरे को क्या देखने को मिलते हैं, खनिज लवण घुले हुए देखने को मिलते हैं, खनिज लवण जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 330 प्रति 1000 ग्राम। टर्की की वॉन लेक जो है विश्व की सबसे लवणीय झील है, इससे लवणीय झील आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट सर, उसके बाद में नंबर दो पे कौन सी है, नंबर दो पे आपको देखने को मिलता है टर्की की वॉन के बाद में जॉर्डन देश की बात करी मैंने, और जॉर्डन का क्या है, मृत सागर। अब देखो ये मृत सागर जो देखने को मिलता है जॉर्डन का, इसकी क्या कहानी है, ये है समुद्र तल से नीचे। सर ये समुद्र तल से नीचे की क्या कहानी है जॉर्डन के मृत सागर की। देखो मान लो मैं इसको देखने जा रहा हूं कि साहब जॉर्डन का मृत सागर देख के आते हैं, ये जॉर्डन देश दिखाई दे रहा है, गए आप मृत सागर देखने जा रहे हो, तो अब क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है वो नीचे उतरेगी एक ढाल में, ये नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, फिर यहां पे एक समतल क्षेत्र है, यहां पे जो है आपकी गाड़ी खड़ी होगी कि साहब जाओ जाके जो है डेड सी देखिए, आओ कहां जाना है कि साहब आगे चले जाओ, सीधे चले जाओ, आपको डेड सी दिखाई दे जाएगा। बोले सीधे तो कुछ है ही नहीं, बोले जाओ तो सही, जाओगे, फिर आप नीचे उतरे नीचे उतरे नीचे उतरे नीचे उतरे नीचे उतरे, और फिर एक जगह देखने को मिली, और यहां पे जो है एक झील देखने को मिल रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, वास्तविकता में इस क्षेत्र की अगर मैं ऊंचाई देखता हूं सामान्य ऊंचाई, तो वो ये दिखाई दे रही है, और ये जो है आपको सामान्य ऊंचाई से भी नीचे देखने को मिल रही है तो स्थल, पर आप जो है नीचे उतरते हुए चले जा रहे हो। तो सामान्यतः जो कहा जाता है कि जॉर्डन का जो देखने को मिलता है मेरे को मृत सागर, ये मृत सागर जो है ये क्या देखने को मिलता है, समुद्र तल से भी नीचे। अब क्वेश्चन आता है कि समुद्र तल क्या होता है सर, देखो समुद्र तल क्या होगा, किसी भी देश का निम्नतम बिंदु, जैसे भारत का समुद्र तल क्या है, चेन्नई। तो सर इसको नापते कैसे हैं समुद्र तल को, आपने बता तो दिया चेन्नई, तो चेन्नई ही क्यों है निम्नतम बिंदु। भारत का पूर्वी ढाल है, यहां पे पूर्व की तरफ ढाल कम है, समतल क्षेत्र होगा, और किसी भी स्थान पे जब समुद्र का पानी ऊपर चढ़ रहा है, जब ज्वार आ रहा है, मतलब हमेशा तटीय क्षेत्र पे समुद्र का पानी जो है दिन में 2 बार ऊपर चढ़ता है और दिन में 2 बार नीचे उतरता है, 2 बार ज्वार आते हैं 2 बार भाटा आते हैं, पानी ऊपर चढ़ा पानी नीचे उतरा, तो अधिकतम कहां चढ़ा और निम्नतम कहां उतरा, इसके बीच का जो बिंदु होता है ना, इसको माना जाता है समुद्र तल। इस पे बोलते हैं कि समुद्र तल जो है वो कितना है, 0। आप सामान्यतः ट्रेन में यात्रा करते हैं तो रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिलता है कि निम्न क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है, निम्न क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। सामान्यतः आप पर्वतों की भी ऊंचाई देखते हैं तो आपको धरातल से नहीं दिखाई देती है, वो ऊंचाई जो है समुद्र तल से प्रदर्शित करी जाती है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान में आबू शिखर की, तो आबू शिखर जो है वो समुद्र तल से 1722 मीटर जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये जो ऊंचाई जो है ना, मतलब आपका समुद्र तल के बेस पे जो है ये बताई जाती है, उच्चतम बिंदु जो है इस आधार पे, तो ये समुद्र तल से नीचे जो है आपको झील देखने को मिलेगी, जॉर्डन का मृत सागर। ठीक, अब बात आती है साहब मृत सागर क्यों कहते हैं, मृत सागर इसलिए कहते हैं कि इसका पानी इतना ज्यादा लवणीय है कि यहां पे आपका कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। तो आपसे कोई पूछे कि सर फिर ये बताओ कि टर्की की वॉन जो है क्या उसमें भी जीव जंतु या मछलियां नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती, वो 330 मिलता है, ये मेरे ख्याल से आपका 238 है, इसकी लवणता जो है वो देखने को मिलती है आपको 238 प्रति 1000 ग्राम। कुछ जगह एनसीईआरटी में 240 भी मेंशन करी हुई है, कुछ जगह 240 भी मेंशन करी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 330 और इसकी 238 जो है ये प्रति 1000 ग्राम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ये टर्की की वॉन लेक तक की यहाँ की बात हुई आपकी। चलो अब कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार जो है इसको टच कर लेते हैं यहाँ पे। बर्कोयांस्क सबसे ठंडा एरिया है ये तो पता ही होगा आपको। चलो एक बार वापस मैं मैप पे लेके चलता हूँ, वर्ल्ड मैप पे, क्योंकि मैं ढंग से वहीं बता सकता हूँ। अरे हाँ, अभी तो बच गया सर, अभी तो बहुत बच गया, अभी तो एक चीज और बच गई। क्या बचा, चीज बची अपनी जापान। आओ चलो, एशिया के अंदर देखने को मिलेगा जापान, ये बचा हुआ है, इसको तो भूल ही गया था मैं, इंडोनेशिया को भी भूला बैठा हूँ। चलो सर आओ यहाँ पे, दिखाई दे रहा है जापान एशिया में, ये एशियाई देश है जापान, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जापान को देखना शुरू करते हो तो यहां पे इसके द्वीप देखने को मिलते हैं,
देखो सबसे ऊपरी जो द्वीप है जापान का, इसका नाम क्या है? होकाइडो। ठीक, होकाइडो बोल दो, होकाइडो बोल दो, बात एक ही है। नीचे देखो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एक द्वीप जिसका नाम होगा शिकोकू। ठीक, ये देखने को मिलता है, दूसरा द्वीप जिसका नाम है शिकोकू। उसके बाद में नीचे आओ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, सॉरी सॉरी सर, सॉरी 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 अगेन, मैं करेक्ट करता हूँ इसको एक बार। सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है इसका नाम है आपका होकेडो या होकाइडो। फिर देखने को मिलता है आपको होंगशू, दूसरा जो द्वीप है इसका नाम है होंगशू। फिर देखने को मिलता है आपको तीसरा द्वीप जो है इसका नाम है शिकोकू या शिकाको, शिकोकू। और शिकोकू के बाद में फिर चौथा जो द्वीप देखने को मिलता है इसका नाम है क्यूशू। ये चार देखने को मिलेंगे, होकाइडो, होंगशू, शिकोकू, क्यूशू। होकाइडो, होंगशू, शिकोकू और क्यूशू, ये चार आइलैंड जो है ये देखने को मिलते हैं जापान के अंदर। तो देखो ये तो क्रम की बात हुई, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है होकाइडो, फिर दिखाई दे रहा है होंगशू, फिर दिखाई दे रहा है मेरे को शिकोकू, और फिर दिखाई दे रहा है मेरे को क्यूशू। ये चार द्वीप हैं इसके। देखो जापान की अगर बात करी जाए तो विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश होगा जिसपे संसाधन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, और मैं बोल सकता हूं कि ये जापान जो है फिर भी आपका विकसित है। जापान के अंदर ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है नंबर दो पे जिसका नाम है होंगशू, जिसका नाम है होंगशू, ये होंगशू द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलेगा। और होंगशू के पूर्व में ही इसकी राजधानी देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा टोकियो। और होंगशू जो है ये जो पूर्वी क्षेत्र है सर, इसी को बोलते हैं जापान का पूर्वी मैदान। उसके अलावा पहाड़ी पहाड़ी हैं यहाँ पे, आपको पहाड़ी दिखाई देंगी, भूकंप आते हुए दिखाई देंगे जापान में। एक्चुअल में जापान जो है वो है क्या, एक समुद्री पर्वत मान लो आप। इसको बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर हम क्या, आपका द्वीपीय तोरण बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कि अपन अर्च बोलते हैं, ओशियन अर्च बोलेंगे, या इसके लिए वर्ड यूज करा जाता है द्वीपीय तोरण। हुआ क्या, यहां पे ये वाला क्षेत्र टकरा रहा है और ये वाला क्षेत्र टकरा रहा है, समुद्र में अंदर टकरा रहे हैं ये दो क्षेत्र, अंदर टकरा रहे हैं, और बीच वाला क्षेत्र जो है इस तरीके से मुड़ के ऊपर उठ रहा है, और जब ये समुद्र से ऊपर आ गए तो ये द्वीप बन गए। ठीक, तो यहां पे दिखाई देता है होकोडो, होकेडो, होंगशू। होंगशू को मैं देखता हूं तो इसके पूर्व में एक मैदान दिखाई देता है जिसका नाम है क्वांतो का मैदान। ये क्वांतो का मैदान जो है जापान में चावल का प्रोडक्शन करता है। ये क्वांतो का मैदान जो है जापान का सबसे विकसित क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक, अब सर यहीं पे आप आ जाओ तो यहीं पे आपको एक शहर देखने को मिलता है, इसका नाम होगा ओसाका। ओसाका जो है ये जापान में जाना जाता है किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ध्यान रखना, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उसके जस्ट बगल में आप देखते हो तो आपको एक शहर देखने को मिलता है जिसका नाम होगा कोबे। और ये कोबे जो है ये दो चीजों के लिए जाना जाएगा, एक तो यहाँ पे जहाजों का निर्माण होता है यानी कि पानी के जहाज बनाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त होंग आपका कोबे जो है लौह इस्पात उद्योग जो है वो भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे विकसित होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ओसाका और कोबे वाला क्षेत्र। यहाँ पे हिरोशिमा दिखाई देता है आपको। ठीक, और आगे नागासाकी जो है क्यूशू आइलैंड पे, इसके क्यूशू आइलैंड पे नागासाकी है आपका। ये चार द्वीप ध्यान रखने हैं, ओसाका ध्यान रखना है, कोबे ध्यान रखना है, एक और होगा यहाँ पे आपका, हाँ एक और है ना, एक है इसका नाम है नागोया, ये भी जापान के अंदर है। ठीक, ये भी आपका जापान में ही है जिसका नाम है नागोया। नागोया भी आपका जहाज निर्माण जो है इसके लिए जाना जाता है आपका। एक और होगा यहाँ पे कांतो का मैदान हो गया, टोक्यो हो गया, चलो सर सामने आ ही जाएगा, सामने आ ही जाएगा। चलो सर अब देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या बचा हुआ है। जापान, तो जापान के अंदर आप देखते हो तो यहाँ पे दिखाई देता है मेरे को चार द्वीप दिखाई देते हैं, होकेडो, होंगशू, शिकोकू, क्यूशू। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होंगशू नंबर दो का, जिसपे जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये देखने को मिलती है। टोक्यो ध्यान रखना, अगर बात करी जाए टोक्यो विश्व की सबसे बड़ा, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक राजधानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। होंगशू द्वीप पे केहिन क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विख्यात है। यहाँ पे ध्यान रखना, होंगशू द्वीप पे ही आपको देखने को मिलता है कांतो का मैदान जो कि जापान का सबसे बड़ा मैदान है, जापान की सर्वाधिक जनसंख्या यही देखने को मिलती है। ठीक,
एक फ्यूजी शान या फूजी माउंटेन देखने को मिलता है। ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है और होंगशु द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओसाका मैंने बताया जापान का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। नागोया जापान का डेट्रॉयट, यस नागोया जो है ये डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। शिप बिल्डिंग भी होगी नागोया में और गाड़ियों का निर्माण भी होगा। डेट्रॉयट आपको अमेरिका में बताया था मैंने, अगर पूछ रहे डेट्रॉयट कहां पे तो अमेरिका में है। हिरोशिमा होंगशु द्वीप पे देखने को मिलता है। नागासाकी क्यूशु देखने के क्यूशु होकाइडो होंगशु, हां क्यूशु द्वीप जो है यहां पे देखने को मिलता है और जहाज का निर्माण होता है। ये आपको जापान का जो है इतना सा ध्यान रखना है, ठीक। और तो कुछ है नहीं आपका। सुगैरु जलसंधि, जलसंधि सिलेबस में चलो ये ओशियन बताऊंगा ना आपको ग्रेड सेकंड के, तो वहां पे जलसंधि बता दूंगा। सुगैरु का क्वेश्चन ग्रेड सेकंड में आया हुआ है आपका, है ना। अब देखो कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो है ये ध्यान रख लीजिएगा। आपको देखने को मिलता है चीन के अंदर एक क्षेत्र जिसका नाम है मंचूरिया, तो मंचूरिया का मैदान जो है यांगटीसी नदी का बेसिन जो है वहां पे देखने को मिलता है। और स्पेशली आप देखना शुरू करते हो तो यहाँ पे लौह अयस्क जो है ये देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले चीन में मंचूरिया का मैदान यांगटीसी नदी की घाटी में क्या मिलता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। शानशी शेनशी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन होता है चीन के। मलेशिया के अंदर एक किंटा घाटी देखने को मिलती है, टिन का उत्पादन होता है। मलेशिया टिन का उत्पादन करता हुआ आपको दिखाई देगा, अच्छा खासा आपका, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट सर, ये किंटा घाटी का क्वेश्चन आया हुआ अभी आपका। नेक्स्ट शान के पठार की बात करी मैंने आपको म्यांमार के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्पेशली शान के पठार में चांदी और सीसा जस्ता। चीन के अंदर शानशी शेनशी क्षेत्र के अंदर आपको देखने को, ये शानशी शेनशी होगा, शानशी शेनशी क्षेत्र होगा जहां पे कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके अलावा कजाकिस्तान जो है ये यूरेनियम का उत्पादन करता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यमन कॉफी का उत्पादन। मलेशिया जो है ये रबर का उत्पादन करता हुआ दिखाई देता है। और एक बाकू जो है मतलब अजरबैजान नहीं यार, अबादान की मैं आपसे बात कर ही चुका हूं, है ना। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है अबादान। अबादान जो है ईरान के अंदर, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है काफी बड़ी है यहाँ पे, अबादान देखने को मिलेगा। मस्जिद सुलेमान देखने को मिलेगा, ठीक है। करमशाह देखने को मिलेगा, लाली देखने को मिलेगा, कच्छ क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे। बट आपको ध्यान नहीं रखने, आपको ध्यान रखना है अबादान और मस्जिद सुलेमान, ये दो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ के। अबादान और मस्जिद सुलेमान, ये दो क्षेत्र यहाँ के आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज और कुछ नहीं है, इतना ही आपका मतलब एशिया महाद्वीप आपको देखने को मिलता है। और लगभग लगभग सारी चीजें मैंने इसकी यहाँ पे बताई दी हैं। यहाँ पे आप एक ध्यान रखना, लाओस जो देखने को मिलता है ये एक लैंडलॉक कंट्री जो है ये देखने को मिलती है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखना शुरू करते हो, एक सबसे इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको इंडोनेशिया, देखो जरा यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं अपन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे रेड रेड कलर के, आप यहाँ पे देखते हो सुमात्रा दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखते हो तो आपको जावा जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे बोर्नियो का क्षेत्र देखने को मिलता है, ये सुलेवासी द्वीप देखने को मिलता है, सुम्बा द्वीप देखने को मिलता है। ये न्यूगिनी का पूर्व क्षेत्र जो है ये आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप इस एरिया को देखते हो तो इस द्वीप समूह को अपन बोलते हैं क्या, इंडोनेशियाई द्वीप समूह। ये ऊपर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसका नाम है मलेशिया द्वीप समूह, और नीचे जो है ये है इंडोनेशियाई द्वीप समूह, है ना। ये छोटे छोटे द्वीप हैं सारे के सारे, बुरु सिराम, छोटे छोटे खूब सारे द्वीप देखने को मिलेंगे। जावा सुमात्रा हम लोग पढ़ते ही हैं इनको सामान्यतया। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन क्या निकलता है, क्वेश्चन निकलता हुआ सामान्यतः मैंने देखा है एग्जाम के अंदर, तो मुझसे ये या सामान्यतः ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपका आंसर होता है कि ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। देखो द्वीप समूह की बात आती है और द्वीप की बात आती है, तो द्वीप केवल केवल एक की बात कर रहा है तो वो होता है ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह की अगर बात आती है तो आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यहां पे सबसे ज्यादा द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड खूब सारे हैं इंडोनेशिया के अंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा, इंडोनेशिया।
और द्वीप कौन सा देखने को मिलता है, मैं बोल सकता हूँ ग्रीनलैंड जो है ये देखने को मिलता है। ओके सर, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना सर। सर व्याख्याता पेपर के अनुसार एक वीडियो बना दीजिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्या पूछ सकती है सामान्य से हटकर। सर सेकंड ग्रेड का तो मैं करवा ही रहा हूँ ना आपको दोस्त, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, सेकंड ग्रेड का तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। और अभी मतलब ठीक है फेस्टिवल हो रहा है, फेस्टिवल एक बार पूरा होने दो, ये मतलब फेस्टिवल डेज जो है ये आने पूरे होने दो, उसके बाद में मैं आपका ग्रेड सेकंड की जो है टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा और ग्रेड सेकंड का जो है आपको टॉपिक जो है ज्योग्राफी के वो भी करवाऊंगा, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग, उसकी तो आप टेंशन ले मतलब लेनी ही नहीं है आप लोगों को। ग्रेड सेकंड का जो है टॉपिक भी करवाऊंगा और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसके अलावा सर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, हाँ सर नेपोलियन बोनापार्ट सबसे ज़्यादा द्वीप, यस सबसे ज़्यादा द्वीप जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो अनअकैडमी पर आपको मेरी मिलेंगी स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल पे आ सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो और अनअकैडमी पर आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी ये लाइव मिलेंगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के एजुकेटर मिलेंगे, अनअकैडमी लाइट भी आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे TT Live। उसके अलावा अनअकैडमी पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं उनके साथ में रिकॉर्डिंग सेशंस जो हैं और साथ में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे PDF जो है नोट्स जो हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अक्टूबर के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, लास्ट टेस्ट जो है 29 तारीख को होगा। उसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं CET का तो फाउंडेशन कोर्स हमारा 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा कंप्लीट इंडिया एंड राजस्थान की ज्योग्राफी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स होगा, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो CET की, अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान में EORO की, अगर आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हो BDO राजस्थान में तैयारी कर रहे हो आप RAS एग्जाम की, ठीक, या तैयारी कर रहे हो आप ग्रेड सेकंड की या ग्रेड फर्स्ट की, तो यहाँ पे EORO CET और RAS इन तीनों के लिए एक हमारी सिंगल फी है और वो फी है साल भर की 7600 और 2 साल की 9200। डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो TT Live। ग्रेड सेकंड के अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स देखना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएंगे, 6 महीने की फी है, मतलब आप 6 महीने तक देख सकते हो इनको और फी है 2160। तो यहाँ पे भी आप 10% ऑफ के लिए TT Live जो है ये कोड यूज में ले सकते हो। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा अनअकैडमी पर। इसके अलावा आपको मेरी स्पेशल क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी, तो आप मेरे प्रोफाइल पे आके मेरे को फॉलो कर लीजिए तो जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं उनके मैसेज आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी लाइव RPSC ये यूट्यूब चैनल है हमारा, एक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ज्योग्राफी बाई तुषार त्यागी, तो वहां पे ये PPT जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इस क्लास की, ठीक है सर। ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अपकमिंग डेज में आने वाले समय में मिल जाएगी और वो टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ अभी आधे घंटे बाद में, और एक चैप्टर है आपका वर्ल्ड में विंड सिस्टम, और ये विंड सिस्टम जो है वायु परितंत्र जो है पेपर फर्स्ट में है, एक ग्लोबल विंड सिस्टम करके टॉपिक है और इस ग्लोबल विंड सिस्टम वाले टॉपिक में बहुत से लोग जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं, तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझने में आई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सेशन में। भारत जीत गया है सर, ठीक है, भारत जो आज का मैच जीत गया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से और अनअकैडमी की तरफ से हैप्पी दीपावली। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करते हैं ग्रेड सेकंड RAS के लिए टेस्ट सीरीज और आपके कंप्लीट ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर नीचे गए दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।